खैर स्टार्ट करते हैं। मेरा तो बड़ा दिल कर रहा था कि मैं क्लास थोड़ी सी लेट कर दूं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ओपनिंग सेरेमनी थी तो मैं नहीं जा सका, लेकिन फिर सोचा कि नहीं यार, इट विल बी टू चेंज द स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान विदाउट गेटिंग फर्दर डिले। पाकिस्तान का आज पूरा मैप कवर होएगा, पाकिस्तान की पूरी ज्योग्राफी होगी कंप्लीट, ले लें पास, मेरे पास पड़ा हुआ है। और कंप्लीटली ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट ज्योग्राफी कवर होगी, जिसमें पाकिस्तान के पूरा मैप, पाकिस्तान के तमाम बॉर्डर्स, पाकिस्तान का टोटल एरिया, पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस। नो मोर क्वेश्चंस राइट नाउ, अभी फिलहाल होल्ड कर लें कुछ क्वेश्चंस को, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो जिसमें ये जितनी भी बाउंड्रीज हैं सारी की सारी, जितने बॉर्डर्स हैं और हमारे जितने रिवर्स हैं, जितने डेजर्ट्स हैं, जितने माउंटेन रेंजेस हैं, लेक्स वगैरह हो गई प्रोमिनेंट, ठीक है जी, और भी जो ज्योग्राफी से रिलेटेड पाकिस्तान की है उसको आज हम कवर करेंगे। तो मैप की पिक्चर मैंने ऑलरेडी ग्रुप्स में भिजवा दी हुई है, उसकी रीज़न ये है कि अगर आपको यहाँ से नहीं क्लियर तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी बात, मैं अभी कैमरे को क्रीप करूँगा, आप वो भी देख सकते हैं, एक एक चीज़ आपको क्लियर नजर आएगी, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है कि जब 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने कश्मीर का जो स्टेटस था वो रिवोक कर दिया था, जिसमें 370 और 35A आर्टिकल जो थे, उसने 370 और 35A आर्टिकल्स इंडिया ने रिवोक कर दिए थे। कब किए थे? 5 अगस्त को किए थे 2019 को। तो फिर पाकिस्तान ने क्या किया उस मूव को देखते हुए? पाकिस्तान ने जो अपना पाकिस्तान ने मैप था हमने वो चेंज कर दिया, पाकिस्तान ने अपना मैप चेंज कर दिया है। तो उस मैप में अब हमारा टोटल एरिया भी चेंज हो गया हुआ है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है वो 8,81,913 किलोमीटर स्क्वेयर हो गया हुआ है, 8,81,913 किलोमीटर स्क्वेयर, 8,81,913 किलोमीटर स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा आई गेस पहले हम ऊपर वाला पार्ट देखेंगे, उसके बाद फिर नीचे वाला पार्ट देखेंगे। अच्छा अच्छा अब क्लियर है, अब क्लियर है। तो ये 8,81,913 किलोमीटर स्क्वेयर अब पाकिस्तान का टोटल एरिया है, जिसमें मैं एक एक सूबे के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो ये मैप देख लें, ये पूरे पाकिस्तान का मैप मैंने बना दिया है। ये बेसिकली ये वाली जो लाइन है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ऊपर जो है ये GB आपका बैठा हुआ है, ये पूरे का पूरा एरिया आपका, सॉरी ये आपका KPK का है, ये सारे का सारा एरिया GB यहाँ पे है, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये आपका GB बैठा हुआ है। GB के नीचे ये आजाद जम्मू कश्मीर है, ये डॉटेड लाइन, आजाद जम्मू कश्मीर और GB बॉर्डर सेम शेयर शेयर करते हैं। इधर इधर जब GB का बॉर्डर है, इधर आजाद कश्मीर का बॉर्डर है, आजाद कश्मीर के साथ इधर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का बॉर्डर है, ये आपको नजर आ रहा होगा ये डॉटेड लाइन जहाँ पे मैंने LOC लिखी हुई है, क्योंकि आजाद जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है इसको मैं करीब कर देता हूं। ठीक है, जो ये आपका इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो बॉर्डर है, और जो LOC, ये आपको LOC शायद नजर आ रही होगी, ये रही आपकी LOC, ये आपका आजाद जम्मू कश्मीर का बॉर्डर हो गया ये वाला, और ये LOC है आजाद जम्मू कश्मीर का, और ये जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका बॉर्डर है। इसके बारे में बताता हूँ, ये वर्किंग बाउंड्री है, WB लिखा हुआ है, ऊपर आजाद, ऊपर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का बॉर्डर है, और नीचे ये पंजाब का बॉर्डर लग रहा है, ये सियालकोट का एरिया है, ठीक है जी। तो ये सारे का सारा यहाँ तक GB का बॉर्डर लगता है, GB से इधर तक का ये वाला जो एरिया है टोटल, ये इधर तक जा रहा है, ये KPK का एरिया है। ऊपर ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे KPK का बॉर्डर बन जाता है, KPK के नीचे ये पूरा बलूचिस्तान बैठा हुआ है, इसको मैं अभी नीचे करूंगा कैमरे को, तो आप देख सकेंगे ये पूरा बलूचिस्तान बैठा हुआ है। यहाँ से ये वाली जो डॉटेड लाइन है, और उसके नीचे बिल्कुल यहाँ पे इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के नीचे यहाँ पे ये पूरा पंजाब आपका बैठा हुआ है, ये वर्किंग बाउंड्री के नीचे ये सारा पंजाब का मैप आ रहा है, ठीक है जी। ये यहाँ तक, फिर ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ तक आपका पूरा पंजाब का बॉर्डर खत्म हो रहा है, और ये यूं इधर जा रहा है, और इधर से इस तरफ जो है वो बलूचिस्तान का बॉर्डर हो गया आपका, ठीक है जी। अच्छा ये वाला जो बॉर्डर है ये आपका बलूचिस्तान का बॉर्डर हो गया, ये सारे का सारा नीचे तक। तो अभी हम एक एक करके इन चीजों को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। माउंटेन रेंजेस भी मैं आपको बताता चलूं,
सारा कुछ आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एक मैप का ओवरव्यू पता चल जाए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैप का डायरेक्शन होती है, जब भी आप मैप बनाते हैं ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ का होता है, नीचे वाला पोर्शन उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे साउथ होती है, इस तरफ आपका ईस्ट होता है और इस तरफ आपका वेस्ट होता है। ईस्ट और वेस्ट अपोजिट साइड में होते हैं, नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है जी। तो अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा माउंटेन रेंजेस की तरफ। ये देखें जो सेंट्रल एशिया से आ रही है ना माउंटेन रेंजेस, सेंट्रल एशिया को मैं सी ए लिख रहा हूं, सी ए। ये सेंट्रल एशिया, यहाँ से माउंटेन जो रेंज आ रही है ना अफगानिस्तान से, बेसिकली यहाँ से ऊपर तक ये वाला जो बॉर्डर है पूरे का पूरा, इधर आपका अफगानिस्तान बैठा हुआ है, ये लिखा भी है मैंने ए एफ जी अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान यहाँ से क्वेटा से बॉर्डर शुरू होता है और नीचे की तरफ जा रहा है जो बॉर्डर, ये ईरान लिखा हुआ है आपका, ये इस तरफ आपका, इस तरफ ईरान बैठा हुआ है। हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो ईरान में है, और जो हमारा ये जो ऊपर वाला बॉर्डर है नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे, ये वाली जो साइड है यहाँ पे आपका अफगानिस्तान बैठा हुआ है, ये वाली साइड आपकी अफगानिस्तान, ये वेस्ट वाली साइड जो है यहाँ पे आपका ईरान आ जाता है, ईस्टर्न साइड पे आपका इंडिया आ जाता है, ये इंडिया बैठा हुआ है, ये बिल्कुल यहाँ से सिंध के नीचे से स्टार्ट होता है ये, यहाँ से इस जगह, तो ये पूरा इंडिया है, इस तरफ भी पंजाब के, इस तरफ भी इंडिया बैठा हुआ है, और ऊपर ये जो कश्मीर है ये भी, इसको मैंने कश्मीर इंडियन ऑक्यूपाइड को पाकिस्तान के खाते में डाल दिया, तो ये यहाँ पे भी इंडिया का कब्जा है और पूरा इंडिया बैठा हुआ है। ऊपर इसके तिब्बत है, यहाँ पे तिब्बत का जो एरिया है और अक्साई चेन का इलाका है, अक्साई चेन और तिब्बत दोनों वो चाइना के पास हैं। ठीक है जी, तिब्बत का एरिया भी और अक्साई चेन का एरिया भी दोनों इंडिया के कंट्रोल में है। अच्छा, ये जो सेंट्रल एशिया से माउंटेन रेंज आ रही है, एंटर हो रही है सीधा केपीके में, और केपीके से आगे की तरफ जा रही है, जीबी की तरफ जा रही है, इसको को हिंदू कश बोलते हैं हम, को हिंदू कश। ये भी पेपर में पूछता होता है कि भाई ये को हिंदू कश आ किधर से रही है, कौन सा सिलसिला, पहाड़ी सिलसिला, सेंट्रल एशिया से आके एंटर हो रहा है केपीके में और केपीके से आगे की तरफ जा रहा है जीबी साइड पे, ये भी बताऊंगा। उसके बाद एक माउंटेन रेंज जो चाइना से एंटर हो रही है पाकिस्तान के अंदर, वो है आपकी कराक्रम रेंज, ये ऊपर मैंने लिख भी दिया है, ऊपर आपको पिक्चर भेज दी जाएगी आपको ग्रुप में। ये जो है ये कराक्रम रेंज है, मेरे ख्याल से लिमिट पूरी हो गई है जूम की 500 की, तो इसलिए शायद बाकी लोग एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, तो उनको फिर वो वीडियो भेज दी जाएगी, ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है इसको, इसकी वो भेज दी जाएगी। ठीक है जी, ये रेगुलर लेक्चर है भाई, डेमो शेमो खत्म हो गया, डेमो एक ही होता है मेरा। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, ये तिरचमीर है, सॉरी, इसके बाद ये ऊपर से जो माउंटेन रेंज आ रही है, ये कराकरम माउंटेन रेंज है जो कि चाइना से एंटर हो रही है यहाँ पे, जीबी साइड से आ रही है, उसके बाद जहां से आपकी कराकरम माउंटेन रेंज जो है वो कराकरम रोड भी निकला हुआ है, उसके बाद एक माउंटेन रेंज इधर से आ रही है इंडिया से, कश्मीर, कश्मीर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ, उसको हिमालयाज कहते होते हैं हम, ये चूंकि नेपाल और भूटान से होती हुई है, इंडिया से होती हुई आगे, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से होती हुई आगे की तरफ जाती है, तो ये हिमालयाज है, हिमालयाज के नीचे वाले लेसर हिमालयाज की माउंटेन्स कहलाती हैं, और लेसर हिमालयाज के नीचे सब हिमालयाज की माउंटेन रेंज है, उसको हम सब हिमालयाज माउंटेन रेंज बोलते होते हैं। ठीक है जी, ये हम सब हिमालयाज माउंटेन रेंज बोलते होते हैं जी। हाफिज साहब, उनको कह के उनको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज देंगे, और कल जो है ना इसकी लिमिट में बढ़वा देता हूँ। ओके, थैंक यू। अच्छा, आगे चलते हैं, तो ये हिमालयाज हो गया, उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं, ये मेरे ख्याल से उन्होंने कम्युनिटी में डाल दिया, तो वहां से बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, इसलिए शायद वो लिमिट एक्सीड कर गई है, यस। आगे चलते हैं, नंबर दूसरी बात, तो ये तो हो गई आपकी माउंटेन रेंजेस, अब हम आते हैं रिवर्स की तरफ। रिवर्स के बाद फिर मैं, उसके बाद आपको लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा, अभी सिर्फ मैं मैप के ऊपर ओवरव्यू दे रहा हूँ, लेक्चर भी हमारा अभी स्टार्ट होना है, हमने एक एक चीज को डिस्कस करना है। ठीक है जी, उसके बाद ये हम आते हैं रिवर्स की तरफ। अच्छा जी, ये वाला जो रिवर है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से स्टार्ट हो रहा है और जीबी में जा रहा है, जीबी से फिर नीचे आ रहा है, ये केपीके का पार्ट बन के केपीके से गुजर के और केपीके से सीधा पंजाब में एंटर हो रहा है और पंजाब से सीधा जा रहा है सिंध की तरफ, ये जो सबसे बड़ा रिवर है पाकिस्तान का, इसको हम बोलते हैं इंडस रिवर। ठीक है जी, रिवर नाइल भी इसको पाकिस्तान का बोला जाता है, तो ये वाला सबसे जो बड़ा रिवर है
ये पूरे का पूरा रिवर आपको पिक्चर में क्लियर नजर आ रहा होगा, ये बहुत बड़ा रिवर गुजर रहा है, ये आपका जाके अरेबियन सी का पार्ट बन जाता है, इसको बोलते हैं इंडस रिवर। ठीक है जी। अच्छा, इसका कंट्रोल भी इंडिया के पास है। देन अगेन दूसरा रिवर है इंडिया, ये जो इंडस रिवर है इसके ऊपर रेड मार्कर के साथ मैंने तरबेला डैम लिख दिया है, इस पे ये तरबेला डैम बना हुआ है। तरबेला डैम बहुत बड़ा डैम है पाकिस्तान का। उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे और ये वाला दूसरे दूसरे को देखें, इसी तरबेला के ऊपर जिनाब बैराज भी मैंने बना दिया, और चश्मा बैराज भी और तौसा बैराज भी। ये जिनाब बैराज, चश्मा बैराज, तौसा बैराज इंडस रिवर के ऊपर है, गुड्डू बैराज, सखर बैराज, कोटरी बैराज, ये भी आपका इंडस रिवर का पार्ट है। गुड्डू बैराज, सखर बैराज और कोटरी बैराज। ठीक है जी, ये कोटरी है, कोटरी सिंध के अंदर है, सखर बैराज भी कोटरी, सखर भी सिंध के अंदर है, और गुड्डू बैराज भी जो है वो उसके अंदर है, सिंध के अंदर है। उसके बाद आ जाती है झेलम की बारी, ये आपका झेलम लिखा हुआ है, झेलम रिवर, ये भी आपका इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से स्टार्ट होते होते एजेके में एंटर होता है, आजाद जम्मू कश्मीर से सीधा आता है पंजाब में, और यूं पंजाब में जाके ये यहाँ तक आके खत्म हो जाता है, त्रिमु, खत्म नहीं होता मतलब त्रिमु के मकाम पे, ये हेड त्रिमु झंग के अंदर है, हेड त्रिमु के पास चनाब रिवर है, चनाब रिवर इसको आके यहाँ पे इन दोनों का कन्फ्लुएंस हो जाता है, चनाब और झेलम दोनों आके मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये सिदनाई एक, सॉरी त्रिमु एक ऐसा पॉइंट है, हेड त्रिमु जिसको बोलते हैं आप, और ये झांग के अंदर हेड त्रिमु, यहाँ पे चनाब और झेलम का आपस में मिल जाते हैं दोनों रिवर। उसके बाद ये तीसरा आ रहा है रावी रिवर, ये रावी रिवर है, ये रावी रिवर भी इसके चनाब के साथ और चुनके झेलम और चनाब दोनों रिवर मिलके आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो इसके साथ एक और रिवर है रावी रिवर, ये जो लाहौर से गुजर रहा है, ये रावी रिवर जो है आपका ये जाके मिलता है सिदनाई, एक पॉइंट है सिदनाई के ऊपर मिलता है, ये पेपर में पूछता होता है कि किस पॉइंट पे दोनों जाके मिलते हैं, तो ये SIDHNAI सिदनाई, इसकी पिक्चर आपको ग्रुप में मिल जाएगी। सिदनाई पॉइंट पे जाके इंडस, झेलम, सॉरी चनाब और झेलम दोनों रिवर मिल जाते हैं, और ये सिदनाई के पॉइंट पे जाके दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे सतलुज रिवर हमारे पास आ गया है, एक और रिवर जा रहा है सतलुज रिवर, ये जाके जनाब वाला यहाँ पे पंजनद का पॉइंट है, जहाँ पे ऑलरेडी जो तीन रिवर्स इकट्ठे हुए हैं झेलम, चनाब और रावी, ये तीनों रिवर के साथ जाके पंजनद के मकाम पे ये तीनों रिवर्स, चौथा रिवर भी इनके साथ जाके मिल जाता है, ये जो इसको आप सतलुज रिवर कहते हैं, और ये आगे ये एक ही रिवर बन जाता है जहाँ पे चार दरिया का कन्फ्लुएंस, और आगे जाके इंडस के साथ जाके मिल जाते हैं, ये कोट मिठन का पॉइंट है, मिठन कोट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे ख्वाजा गुलाम फरीद भी, जहाँ पे हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद का मज़ार है, वो सराइकी लैंग्वेज के बहुत बड़े पोएट थे। ठीक है जी। और उधर ही है, अच्छा उधर ही मिठन कोट के मकाम पे वहां पे उनका मज़ार भी है, उधर ही जाके ये पांचों रिवर मिल जाते हैं एक पॉइंट के ऊपर, फिर ये इंडस का पार्ट बन जाते हैं, और इंडस माइटी इंडस नीचे जाके अरेबियन सी का पार्ट बन जाता है। एक बार, दूसरी बात झेलम रिवर के ऊपर आ जाए, ये जो डैम है ये मंगला डैम है, जो कि ये मैंने लिखा भी हुआ है इसको एरो करके यहाँ पे मंगला डैम, क्योंकि वहां पे जगह कम थी मेरे पास, इसको पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो ये आपका मंगला डैम उधर ही बैठा हुआ है, मंगला डैम जो है वो आपका झेलम रिवर के ऊपर पाया जाता है। उसके बाद ये एक और बैराज है, ये बैराज ये आ रहा है आपका यहाँ पे रसूल बैराज ऑन झेलम, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे रसूल बैराज झेलम रिवर के ऊपर है। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं जी ये वाला जो चनाब है, चनाब के ऊपर बेसिकली तीन बैराजेस पाए जाते हैं हमारे पास। ठीक है जी। एक और रिवर है, ये छोटा सा रिवर है जिसको बोलते हैं आप सुहान रिवर, सोहान रिवर, जिस जो इस्लामाबाद को जहाँ से पानी जाता है, पिंडी को पानी जाता है, सोहान रिवर है, ये सोहान रिवर भी इधर ही जाके, ये सोहान रिवर के ऊपर एक रावल डैम आता है, रावल डैम जो है वो सोहान रिवर के ऊपर है, SOHN सोहान रिवर, ये रावल डैम सोहान जाके भी झेलम को जाके मिल जाता है सोहान रिवर। ठीक है, वो इस्लामाबाद को पानी देके उसके झेलम को मिल जाता है। देन उसके बाद आता है जी आपका चनाब रिवर, चनाब के ऊपर टोटली तीन आपके बड़े जो है वो बराजेस हैं। ठीक है जी। नंबर वन आपका इसके ऊपर क्या कहते हैं चनाब के ऊपर ये तीन है, एक हेड मराला है जो कि सियालकोट के पास है, दूसरा नीचे आ जाए तो कादराबाद है, ये वाला कादराबाद, और तीसरा खानकी है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिए हेड मराला, कादराबाद और खानकी, ये हेड्स बनाए इसलिए जाते हैं ताकि पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकें, लेट सपोज अगर पानी पीछे से ज्यादा आ गया है, आगे उतनी कैपेसिटी नहीं है तो फिर क्या करें, या पीछे से पानी कम है और आगे ज्यादा पानी चाहिए, पानी के वाटर को फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ब्रिजेस, हेडवर्क्स और ये हेड्स वगैरह बनाए जाते होते हैं बेसिकली। ठीक है जी।
अच्छा, तो ये आपका मराला, कादराबाद और खांकी, ये तीनों के तीनों चनाब रिवर के ऊपर पाए जाते हैं। उसके बाद रावी रिवर है जिसपे आपका लाहौर बैठा हुआ है, लाहौर के पास से रावी गुजर, अब तो खुश्क हो गया काफी ज्यादा। ये रावी के ऊपर, ये एक और मैंने यहाँ पे लिख दिया बलौकी, ये हेड बलौकी है, रावी रिवर के ऊपर पाया जाता है। और रावी रिवर अगेन सिदनाई के पॉइंट पे जाके मिल जाता है जेलम और चिनाब के साथ। ठीक है जी, चिनाब ऑलरेडी चूंकि जेलम का पार्ट होता है, वो जेलम के साथ सिदनाई के पॉइंट पे रावी जाके मिलके उसके अंदर खत्म। उसके बाद सतलुज है, सतलुज के ऊपर अगेन सुलेमान की और इस्लाम, दो बड़े बिराजेज हैं, एक सुलेमान की बिराज है, एक इस्लाम बिराज है, सुलेमान की और इस्लाम। तो ये जो सतलुज रिवर है ये जाके पंजनद के मकाम पे हेड पंजनद मुजफ्फरगढ़ के साथ है। हेड पंजनद का जो इलाका है आप जाए देखें, वहां पे छोटी छोटी नहरें निकल रही हैं आगे से फिर ऑनवर्ड्स। तो ये जो पंजनद का एरिया है ये वहां पे जाके मिल जाता है। इसके साथ क्या कहते हैं, बाकी रिवर्स के साथ, बाकी ये पंजाब का। इसमें एक और जो केपीके के रिवर्स हैं वो थोड़े से आपको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे एक और काबुल रिवर है जो कि अफगानिस्तान से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है काबुल रिवर। अफगानिस्तान से काबुल रिवर एंटर होता है और सीधा आता है केपीके के अंदर, केपीके में आके फिर पिशावर के पास आके आगे ये इंडस रिवर का पार्ट बन जाते हैं। ये देखें यहाँ से आया, अफगानिस्तान से आया, केपीके में एंटर हुआ काबुल रिवर, और ये जाके इंडस रिवर का पार्ट बन गया। केपीके के अंदर ही इंडस रिवर गुजर रहा है, उधर से उसका पार्ट बन गया, उसी में मिल जाता है। तकरीबन 18 मिलियन एकड़ फीट पानी हमें काबुल रिवर से आता है जो कि सिंध इंडस रिवर के साथ आके मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद आगे की तरफ जाएंगे हम, इसी काबुल रिवर के ऊपर एक डैम है जिसको हम वारसिक डैम बोलते हैं, वारसिक डैम, वारसिक डैम। ये इस्लाम चनाब की, ये इसके ऊपर है, चनाब के ऊपर है ना, हेड इस्लाम और सुलेमान की, सॉरी सतलुज के ऊपर है अपना, सुलेमान की भी और इस्लाम भी। चनाब के ऊपर हेड मरला है, कादराबाद और खान की, तीन है टोटल। आगे चलते हैं, ये वारसिक डैम हो गया ऑन काबुल रिवर, और इसी तरह से एक और रिवर है कुरम रिवर। कुरम रिवर भी चूंकि आपका आपका केपीके के अंदर है, तो ये कुरम रिवर भी जाके इंडस रिवर का पार्ट बन जाता है। और सेम गोमल रिवर भी जाके पार्ट बन जाता है इंडस रिवर का। तो ये गोमल रिवर भी केपीके के अंदर है, ये भी इंडस रिवर के साथ जाके मिल जाता है। इसमें एक रिवर है कुनहार, ये कुनहार रिवर है बेसिकली, कुनहार रिवर और जोब बलोचिस्तान के अंदर है। कुनहार सीधा जाता है बलोचिस्तान से यहाँ से होते हुए गोमल रिवर, और गोमल रिवर से मिलके इंडस का पार्ट बन जाते हैं। सेम ये भी एक लोवा, LOVA, लोवा एक और दरिया है। उसके बाद नाल, हब, दश्त, ये सारे बलूचिस्तान के अंदर दरिया हैं जो कि पाए जाते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं जी। अफगानिस्तान में माउंटेनियस रीजन है ना, नो डाउट अफगानिस्तान इज अ लैंड लॉक कंट्री, बट देर आर सर्टन माउंटेन्स इन अफगानिस्तान। माउंटेन्स में से पानी जो ग्लेशियर बन के और सारा कुछ, ऐसी बात है, काफी ठंड पड़ती है वहां पे। तो ठीक है जी, अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। वही बोला है कि कुनहार कुछ पोर्शन बलूचिस्तान में है, कुछ पोर्शन बलोच उसका है केपीके के अंदर। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं ईरान के साथ। तो अभी बताता हूँ, सिर्फ चार सूबे हैं ईरान के जो हमारे बलूचिस्तान के बॉर्डर को टच करते हैं। शायस्ता अभी मैं रिवर्स पढ़ाया नहीं है, अभी सिर्फ बताया आपको, अभी रुक जाए, मैं आपको एक एक सूबे के रिवर बताऊंगा, पंजाब में कितने, सिंध में कितने, बलोचिस्तान कितने। तो होल्ड योर क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन विल बी सेटल डाउन सम। अच्छा ये तो हो गई जी, उसके बाद आपके रिवर्स, और ये इसी तरीके से बलोचिस्तान, आप आ जाए इधर केपीके के अंदर, ये वाला जो केपीके का एरिया है ये वाला सारे का सारा फाटा का बन जाता है, फाटा का, जहाँ पे कोहे सफेद इधर ये है, ये फाटा के एरिया में है, केपीके के अंदर बन जाता है आपका कोहे सफेद वगैरह यहाँ पे। उसके बाद ये टोबा काकड़ रेंज है, ये रेंज है बेसिकली माउंटेन रेंज, जहाँ पे ये वाले बनाया हुआ है ये माउंटेन रेंज की साइन है। उसके बाद ये सिहान हिल्स हैं, सिहान हिल्स, उसके बाद चागी हिल्स, चागी जहाँ पे आपने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे 28 मई 1998 को, हमने 5 न्यूक्लियर अटैक किए थे, मिजल्स, सॉरी 5 न्यूक्लियर मिजल्स हमने एक्सप्लोड किए थे। ठीक है जी, तो चागी में, चागी पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, चागी इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान वेयर वी डिड एक्सपेरिमेंट ऑफ 5 न्यूक्लियर, क्या कहते हैं उसको, एक्सप्लोजन्स। अच्छा उसके बाद चागी आ जाता है, उसके नीचे आ जाते, उसके नीचे आ जाता जी ये खारान डेजर्ट है। खारान डेजर्ट बेसिकली बलूचिस्तान के अंदर पाया जाता है, खारान, KHARAN, खारान डेजर्ट। उसके बाद ये दश्त, दश्त एक रिवर भी है और दश्त डेजर्ट भी है, दश्त छोटा सा सहरा है लेकिन बेसिकली ये रिवर है, दश्त, मूला, पुलारी। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये बलूचिस्तान के अंदर हैं। उसके बाद
ये नीचे मकरान कोस्टल है, मकरान कोस्टल की रेंज ज्यादातर जो हमारी जो कोस्टल लाइन है तकरीबन 1058 किलोमीटर की है, 1058 किलोमीटर की टोटल हमारी जो है वो कोस्टल लाइन है, 1058। अभी बॉर्डर्स पे लिखवाता हूँ, उसमें से 140 किलोमीटर सिर्फ सिंध में है, बाकी सारी की सारी बलूचिस्तान में है। तो बलूचिस्तान के अंदर ठीक ठाक हमारी कोस्टल लाइन है। ये मकरान कोस्टल जो आपको नजर आ रही होगी, ये देखें, ये देखें, कोयटा, कोयटा से नीचे आए किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, पशीन, ये सारे होते होते आते यहाँ पे आप आ गए ग्वादर की तरफ। ये आपका ग्वादर हो गया, ये पसनी हो गया, ये पसनी पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स सी पोर्ट्स हैं बेसिकली, जहाँ पे ये सी पोर्ट्स हैं। उसके बाद मकरा, पसनी और मारा, और मारा के बाद आपकी ये सोन मियानी। तो ये सोन मियानी और मारा, पसनी और जो है वो ग्वादर, ये पोर्ट्स हैं जो कि बलूचिस्तान के अंदर पाई जाती हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, गडानी दूसरी दुनिया की बड़ी शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है गडानी, वो भी बलूचिस्तान के अंदर ही है। उसके बाद हम आगे की तरफ आएंगे और ये सिंध के अंदर दो रिवर, दो आपके डेजर्ट्स पाए जाते हैं मेनली, एक नारा है बिल्कुल छोटा सा है और थर्ड डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है, ये पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा डेजर्ट है जिसको हम थर डेजर्ट बोलते हैं, THAR, थर। ये कुछ पोर्शन इसका यहाँ पे सिंध में है, बाकी सारा ज्यादा पोर्शन इसका इंडिया के अंदर पाया जाता है। तो ये इंडिया, इंडिया के अंदर भी है थर्ड डेजर्ट और यहाँ पे सिंध के अंदर भी है। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, पंजाब में चौलिस्तान है, चौलिस्तान जहाँ पे जीप रैली आपकी हो रही है आजकल, ठीक है जी। और चौलिस्तान या रोही, चौलिस्तान का दूसरा नाम है रोही, ये भी पेपर में पूछा हुआ था कि चौलिस्तान का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। शिप तोड़े जाते हैं एक्चुअली, शिप नहीं होते जो दूसरे, जो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, ये जो दूसरे शिप होते हैं मेरी टाइम समुद्रों के अंदर चलने वाले, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया मैप का, अब हम इसको ब्रीफली पढ़ते हैं, डिटेल के अंदर पढ़ते हैं पाकिस्तान की ज्योग्राफी को कि वो है क्या, और सारा कुछ इसको पढ़ते हैं पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वहां से स्टार्ट करते हैं। थल ये है बेसिकली आपका, ये आपका थल डेजर्ट है, ये देखें, ये आपका थल डेजर्ट, ये आपका सरगोधा के इलाके खुशाब वहां पे पाया जाता है। उसके बाद ये आपकी कोकीथर रेंज हो गई और ये ऊपर कोहे सुलेमान रेंज होगी, ये कोहे सुलेमान रेंज नजर आ रही है और ऊपर आपको ये पोठवार प्लेटो नजर आ रहा होगा, जहाँ पे ये आपका पोठवार प्लेटो में जेलम चकवाल ये सारे के सारे पोठवार प्लेटो के अंदर आते हैं। मैं ओके, मैं स्पीड कम कर देता हूँ। तो पोठवार प्लेटो के अंदर जो है वो आपका पिंडी भी आ जाता है, सॉरी पिंडी का थोड़ा सा पोर्शन है, सुहावा, ये चकवाल, जेलम, ये इलाके आ जाते हैं। यार अभी फिलहाल लेक्चर नोट करें, आपको नोट्स बाद में, मैं तो कोई नहीं बनाता नोट्स, आपको ही प्रोवाइड करवा देंगे किसी स्टूडेंट से कह के। दूसरी बात यह कि लेक्चर को ध्यान से सुने, ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़े मुश्किल से कोई कोई पढ़ाता है इस तरह से आपको, कोई कोई, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा लेकिन आपकी कंप्रिहेंसिवली तमाम चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी, तो वो थोड़ी देर सुन लें और खुद को टाइम दे लिया करें, आपका फ्यूचर है आपके हाथ में, आप इसको बिगाड़ते हैं आप इसको संवारते हैं। तो अगर थोड़ा सा टाइम खुद को दे के थोड़ी सी एफर्ट डाल के लेक्चर पर तवज्जो दे लें तो मेरे ख्याल से आपको 2 घंटे प्रोडक्टिव ही रहेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान का, ये टोटल मैंने एरिया बता दिया, अब पाकिस्तान के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डिस्कस करके उसके बाद फिर मैं आऊँगा आपके जो बॉर्डर बॉर्डर्स हैं उनकी तरफ। तो सॉरी, सबसे पहले पाकिस्तान का जो लैटिट्यूड है उसकी तरफ आते हैं और फिर हम लॉन्गिट्यूड की तरफ आते हैं। जो पाकिस्तान का लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड अब क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लेट सपोज ये आपकी, ये आपका ग्लोब है जो आप मैप पड़ा होता है, ठीक है जी, अर्थ, ये अर्थ को आप हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ये जो खड़ी वाली लाइन है लंबी वाली इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ये लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं टोटल, ये 360 होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स ये बताते हैं आपको टाइम, लॉन्गिट्यूड हमेशा आपको टाइम बताएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं, ये जो नीचे लाइन है ये आपका इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर है और नीचे वाली जो ये वाली जो लाइनें होती है ना इनको बोलते हैं लैटीट्यूड, ये आपको बताती है डिस्टेंस, लैटीट्यूड ये डिस्टेंस आपको बता रही होती है, लैटीट्यूड ये बताती है आपको डिस्टेंस। अच्छा, एक लैटीट्यूड से ये टोटल 90 लाइंस नीचे होती हैं और 90 लाइंस ये इस लाइन के इक्वेटर के नीचे भी 90 लाइंस, ऊपर भी 90 लाइंस, तो टोटल बन जाती है 180,
और जो लॉन्गिट्यूड है ये वाली चूंकि जीरो लाइन कहलाती है या प्राइम मेरिडियन लाइन कहलाती है, ये वाली जिसको पीएम लाइन भी कहते हैं प्राइम मेरिडियन, टोटल 24 टाइम जोन्स हैं, देयर आर 24 टाइम जोन्स, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर टोटल 24 है, ठीक है। अच्छा अब ये देखें ना, ये देखें थल, ये देखें आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हो गया, ये लॉन्गिट्यूड आपको बताता है जी टाइम और ये बताता है डिस्टेंस, और जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर आपको लोकेशन पता चलती है, फिर आपको पता चलती है लोकेशन, जब दोनों लॉन्गिट्यूड प्लस लैटिट्यूड मिल जाए लोकेशन पता चलती है। लेट सपोज कैसे, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेट सपोज पाकिस्तान है उसकी बात करते हैं, पाकिस्तान का जो लैटिट्यूड है वो 24 डिग्री से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो है आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में आपका पाकिस्तान का है जी टोटल जो लैटिट्यूड है हमारा लैट। जब भी आप किसी की सीडीआर निकलवाते हैं, कोई लोकेशन लेते हैं गूगल मैप से, तो आपको ऊपर लैटिट्यूड लिखा होगा, नीचे लॉन्गिट्यूड लिखा होगा, उसको आप डालेंगे गूगल मैप पे, आपको एग्जैक्ट जगह पे ले जाएगा फिलहाल जगह पे लोकेशन है, ठीक है जी। तो ये 24 डिग्री से 37 डिग्री हमारा पाकिस्तान, यहाँ से ऊपर जो है हमारा नॉर्दर्न, ये ऊपर नॉर्थ है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हम बैठे हुए हैं, और हमारा 24 से ये लेट्स सपोज ये वाली लाइन है, यहाँ पे पाकिस्तान कहीं बैठा हुआ है, 24 से ऊपर 25 26 27 28 और करके 37 यहाँ तक, इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक पाकिस्तान बैठा हुआ है। अब हमें नहीं पता इधर बैठा इधर बैठा इधर बैठा इधर बैठा है, वो आपको लैटिट्यूड, वो आपको लॉन्गिट्यूड पता होगा तो फिर ही पता चलेगा। तो ये तो हो गया हमारा लैट, अब लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड आपका पाकिस्तान का है जी, जो पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड है ना वो है आपका 62 to 75 degree नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, अगेन 62 से 75 degree नॉर्थ ईस्ट। अब 62 to 75 नॉर्थ का मतलब ये वाला पार्ट, ईस्ट का मतलब ये वाला पार्ट, वेस्टर्न पार्ट पे हमने जाने नहीं है, ये ज्योग्राफी के अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट दे दूंगा, फिलहाल आप थोड़ा सा समझ लें। ये जो 62 है, लेट्स सपोज ये वाली लाइन जो है यहाँ पे जीरो से शुरू हो रही है 1 2 3 4 5 6 करके, अब नहीं बना सकते, ये 62 लाइन है और जनाब ये वाली लाइन 75th लाइन है, तो ये इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के अंदर पाकिस्तान कहीं ना कहीं बैठा होगा, तो लाइन ये पाकिस्तान इधर कहीं बैठा हुआ है 62 से 75th लाइन के दरमियान। ये ऐसे आपको पता चल जाता है, ये बाद में ज्योग्राफी के लेक्चर पे बहुत बड़ा बना के आपको समझा भी दूंगा, फिलहाल आप ये समझ लें कि हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है, इसके ऊपर बात कर लें। ये जो आपका है ना प्राइम मेरिडियन पीएम टाइम, आपका 1884 से ये स्टार्ट हुआ था प्राइम मेरिडियन लाइन, जो जीएमटी आपको एक मिलता है ग्रीनविच मीन टाइम, 1884 से स्टार्ट हुआ था, लंदन में है ग्रीनविच मीन टाइम, वहां से एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लिया गया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। मेरे देखें स्पीड में, मेरी आपको अगर इशू आ रहा है तो मेरा लेक्चर को पूरा कवर करवाना है और लेक्चर बहुत बड़ा है, 2 घंटे इसके लिए बहुत कम है, तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर अप हो रही हैं, या आपको रिकॉर्डिंग पहले, आज लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, कल से मैं बिल्कुल स्लो चलूँगा जी, 1884 अच्छा कल से मैं स्लो चलूँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी बात यह कि आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, इसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको आज के लेक्चर की, कल से नहीं होगी शायद रिकॉर्डिंग, तो ये आप देख लें, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम बॉर्डर्स की तरफ चलते हैं, ये इसके समझाऊंगा कि पाकिस्तान का जो टाइम है हमारा जो टाइम है ना, हम यूके से लंदन से पर प्लस जीएमटी प्लस 5 की बात आती है, ठीक है जी। जब जीएमटी व्हाट इज प्राइम मेरिडियन, डॉक्टर अमीना इकबाल, डॉक्टर अमीना, प्राइम मेरिडियन लाइन बेसिकली एक जीरो लाइन होती है, लेट्स सपोज ये आपकी अर्थ है, ये आपकी प्राइम मेरिडियन लाइन है जहां से आपका टाइम, ये आप उसके बाद ये इसको जीरो लाइन भी कहते हैं, और ये है आपकी इक्वेटर, ये आपको बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है एक सदर्न हेमिस्फीयर है, और अगर नॉर्दर्न और सदर्न हटा दें तो ये आपकी ईस्टर्न हेमिस्फीयर बच जाती है, और वेस्टर्न हेमी कहते हैं आधे को, बाकी स्फीयर स्फीयर है, उसको डिवाइड करने के लिए इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है। जब आप मैप लेते हैं ना तो आपको मैप लें तो आपको पता चल जाएगा ये इक्वेटर वाली लाइन जीरो से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसके ऊपर फिर ऊपर 1 2 3 4 करके यहाँ तक 90 लैटिट्यूड बने होंगे, यहाँ पे भी 90 लैटिट्यूड, और ये यहाँ पे जीरो से स्टार्ट 1 2 3 4 5 ये 180 लॉन्गिट्यूड इधर और 180 लॉन्गिट्यूड इधर होते हैं, ठीक है जी। हम आगे की तरफ चलेंगे, मैप में पढ़ाऊंगा ना जब आपको, तब पता चल जाएगा। अब हम आते हैं जी इसकी तरफ, जो हम ना हमारे इसकी तरफ
अच्छा, अब हम आते हैं जी, सबसे पहले हम बॉर्डर्स की तरफ से स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान का सबसे पहले देखें मैप के है क्या, पाकिस्तान के नॉर्थ में है चाइना, ये ऊपर बैठा हुआ है पाकिस्तान का ऊपर वाला पोर्शन, मैं लोकेशन बता दी थी, ये नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। नॉर्थ में बैठा हुआ है आपके चाइना, नॉर्थ वेस्ट में बैठा हुआ है अफगानिस्तान। ये परेशान नहीं होना, कुछ लोग गलतियां कराते हैं, कुछ लोग गलतियां कराते हैं, अफगानिस्तान को नॉर्थ में ठोकाते हैं या अफगानिस्तान को वेस्ट में ठोकाते हैं। अफगानिस्तान ये वो यहां से शुरू होता है और इधर तक बैठा हुआ है आपका, तो ये जो पट्टी बन जाती है ऊपर नॉर्थ का पोर्शन, नीचे इधर वेस्ट का, तो नॉर्थ वेस्ट में आपका अफगानिस्तान बैठा हुआ है। उसके बाद जो वेस्ट पार्ट है, ये वाला जो वेस्ट पार्ट है नीचे इधर वाला, ठीक है, ये इधर बैठा हुआ है आपका पूरा ईरान बैठा हुआ है आपका वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है जी। ये आपका इस तरफ क्वेटा के बिल्कुल साथ ही, ये ईरान, ईरान ये बॉर्डर है ईरान के साथ हमारा, पशीन मंड भी है, ताफ्तान भी है, ठीक है जी। तो ईरान के साथ जो बॉर्डर लगते हैं, ये तोरखम वगैरह इधर लगते हैं, अफगानिस्तान के साथ लगते हैं, ये फाटा शाटा अली अफगानिस्तान, सबसे बड़ा बॉर्डर हमारा जो है वो इंडिया को लगता है, इंडिया के बाद अफगानिस्तान है 2611, बताता हूँ अभी। इसके बाद ईरान, नीचे हमारा सबसे अच्छा दोस्त है जिससे हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, ये अरेबियन सी है, ठीक है जी। नीचे आपके बिल्कुल ग्वादर और ग्वादर द्वीप सी पोर्ट है, अरेबियन सी नीचे बैठा हुआ है, ये लिखा हुआ है मैंने अरेबियन सी। और इस तरफ जो है वो आपके हमारे ईस्ट में, पाकिस्तान के जो ईस्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ईस्ट, इधर आपका इंडिया बैठा हुआ है, ये आप क्लैरिफाई कर लें दिमाग के अंदर बिठा दीजिए। अब हम आते हैं थोड़ा सा मजीद इसको देखते हैं, पाकिस्तान के सबसे पहले बॉर्डर्स की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम जी चमन चमन बॉर्डर सारा कुछ अभी डिस्कस करते हैं ना, सबसे पहले हम जाते हैं ऊपर से स्टार्ट करते हैं, चाइना से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बॉर्डर्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको माउंटेन्स बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको जो है ना बाकी बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अरेबियन सी की डायरेक्शन साउथ में है, पाकिस्तान के साउथ में बन जाता है अरेबियन सी, ये नीचे साउथ वाला पार्ट है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, साउथ में आपका अरेबियन सी है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा इसकी तरफ, आज शायद आपको ब्लर भी लग रहा होगा चीजें, क्योंकि मैप पे काफी सारी चीजें लिखी होती हैं छोटी बड़ी। सबसे पहले हम चाइना से स्टार्ट करते हैं, बॉर्डर एक होता है आपका डिफेक्टो बॉर्डर, एक होता है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर। डिफेक्टो बॉर्डर इज विच इज इंटरनेशनली अ डिस्प्यूटेड बॉर्डर, दैट इज कॉल्ड अ डिफेक्टो बॉर्डर। एक होता है इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर बेसिकली जब भी कंट्रीज आपस में बनते हैं तो एक दूसरे के साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, ठीक है जी, बाउंड्रीज को करते हैं जी शेयर। तो वो जो बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, जाहिर सी बात है पूरे बॉर्डर्स बनते हैं वहां पे, बॉर्डर खुलते भी हैं बंद भी होते हैं, पूरे का पूरा बॉर्डर वहां पे फौजें भी डिप्लॉय होती हैं, मर्जी है कंट्रीज की, अगर आप पीसफुल हैं तो फिर तो कोई फोर्स नहीं होती, अदरवाइज हैवी सोल्जर्स डिप्लॉय होते हैं। तो ये चाइना है, चाइना के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, जिसकी जो टोटल लेंथ है, चूंकि बॉर्डर्स की लेंथ भी चेंज नहीं है, दैट इज 599 किलोमीटर। पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर टोटल है 599 किलोमीटर, जिसकी टोटल स्पीड है, मैं एक चीज को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं मुझे चीजें, 599 599 किलोमीटर स्क्वेयर है पाकिस्तान और चाइना का टोटल बॉर्डर जो है, ठीक है जी, 599 किलोमीटर, अच्छा किलोमीटर है टोटल ये आपका, किलोमीटर नॉट किलोमीटर स्क्वायर, तो किलोमीटर बन जाता है आपका 599 किलोमीटर स्क्वायर, नहीं किलोमीटर, ओनली किलोमीटर। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1963 में हुआ था, जब पाकिस्तान ने कुछ अपना पोर्शन जो है वो चाइना को हमने गिफ्ट कर दिया था, ठीक है जी। तो ये हमारा चाइना के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था 1963 के अंदर। 1962 में चाइना की और इंडिया की वॉर हुई थी इसी लद्दाख के एरिया में और तिब्बत के एरिया में, ठीक है, 1962 में इंडिया को मार पड़ी थी, चाइना जीत गया था। इनके बॉर्डर को कहते हैं लैक, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो मैं आपको बॉर्डर की डिटेल पढ़ा रहा हूँ, लेंथ पढ़ा रहा हूँ, अब यही है, इससे आपने गलत नीचे नहीं करनी, ये बिल्कुल यही बॉर्डर लेंथ है, बिल्कुल करेक्ट, पुरानी को भूल जाए आप, यही तो मसला है कि बच्चे पुरानी पढ़ के बैठे होते हैं, पेपर में कुछ आता है गलत करके आ जाते हैं। तो ये जब बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था तो हमारा जो डिप्लोमैट था, दैट वाज मंजूर कादिर, ये भी पेपर में पूछा हुआ है कि हु वाज द डिप्लोमैट बी देन, तो डिप्लोमैट वाज मंजूर कादिर, एंड दिस एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इन 1963। ये बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, पाकिस्तान ने कुछ पोर्शन इंडिया को गिफ्ट कर दिया था, उसके एक साल बाद जब हमारे चाइना से अच्छे ताल्लुकात हुए थे, फिर हमने जी मंजूर कादर, फिर हमने क्या किया था कि इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया था ऑपरेशन जिब्राल्टर की सूरत में, ये ऑपरेशन जिब्राल्टर हमने किया था, हमारे फौजी ने किया था,
जनरल अख्तर थे, मेजर अख्तर, और जनरल जनरल जो थे वो क्या कहते हैं, नाम भूल गया मुझे, ध्यान से निकल गया। ठीक है जी, तो वो ये अख्तर जो था जनरल मेजर अख्तर हुसैन, उसका मेन कैरेक्टर वही था, टिका खान और ये सारे के सारे। अयूब खान वॉज नॉट विलिंगफुल, और जी और उसके बाद अयूब खान भुट्टो भी दोनों इस ऑपरेशन के लिए ठीक नहीं थी। आजाद जम्मू ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हुआ था, पाकिस्तानी फौज ने किया था कि हम लिबरेट करवाएंगे कश्मीर को, लेकिन ये प्लान नाकाम हो गया था। लोकल कश्मीरियों को ट्रेनिंग भी दी गई थी 2-3 महीने, असला भी दिया गया था, लेकिन इसी के बाद ही फौरन से 17 डेज वॉर हुई थी, जो कि 1965 वॉर कहलाती है, जो कि 6 सितंबर से 23 सितंबर तक जारी रही थी, 17 डेज वॉर। ठीक है जी, 1965 वाली वॉर थी, वो भी हुई थी। अब हम आते हैं आगे की तरफ कि ये तो चाइना है और इससे बॉर्डर एग्रीमेंट हो गया, यहाँ पे चाइना से एक एक ये माउंटेन रेंज आ रही है, कराकोरम एंटर हो रही है, और यहाँ से सी पैक भी इधर से गुजर के आ रहा है। ये खंजराब पास है बेसिकली, पाकिस्तान जहाँ से चाइना आप एंटर होते हैं उसको बोलते हैं हम खंजराब पास। डिप्लोमैट वाज मंजूर कादिर, मंजूर कादिर। ठीक है, तो ये खंजराब पास कहलाता है, जहाँ से पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर लगता है एक दूसरे के साथ, खंजराब पास उसको बोलते होते हैं। 599 किलोमीटर उसकी टोटल लेंथ है। उसके बाद आगे आ जाएं, हम आ जाएं ये अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान शुरू से ही हमारा मसला रहा, अफगानिस्तान वो कंट्री था जिसने पाकिस्तान को शुरू से एक्सेप्ट नहीं किया, उसने पाकिस्तान को डे वन से एक्सेप्ट नहीं किया अफगानिस्तान ने। वजह क्या थी? वजह यह थी कि 1893 के अंदर, 1893 के अंदर एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन सर मोती मीर ड्यूरेंट एंड अफगानी लीडर था एक, उसके दरमियान। ठीक है जी, अब फकीर ऑफ एफपी अफगानी लीडर और उसके दरमियान एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, यार बता दिए 599, एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था 1893 के अंदर, जिसको आप कहते हैं, जहां पे ये अफगानिस्तान की और ये जो इस तरफ चूंकि इंडिया था, उस वक्त पाकिस्तान तो था नहीं, तो उसको एक लाइन का नाम दिया गया कि ये लाइन है, इसका नाम दिया गया ड्यूरेंट लाइन। सर मोती मीर ड्यूरेंट थे, सर मोती मीर ड्यूरेंट, उनके नाम पे ये लाइन दी गई, मोती मीर ड्यूरेंट के नाम पे ये बॉर्डर अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का। पहले इसका नाम होता था ड्यूरेंट लाइन, अब नहीं है ड्यूरेंट लाइन। तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शुरू से एक्सेप्ट ही इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये कहते थे कि ये जो फाटा का एरिया है और केपीके का काफी एरिया, बलूचिस्तान का काफी एरिया, ये हमारा हिस्सा है। भाई तुम्हारा हिस्सा कहाँ से आ गया, तुम्हारे अब्बे का आया, तो तुम अंग्रेजों के साथ हुआ तुम्हारा मुआहदा कि तुम उस तरफ रहोगे और ये अंग्रेज इस तरफ रहेंगे और तुम्हारे दरमियान कोई वॉर नहीं होगी। अब चूंकि अंग्रेजों ने डिवाइड करना था सब कॉन्टिनेंट को, लिहाजा ये हिस्सा पाकिस्तान में के अंडर आता था, पाकिस्तान के साथ चला गया, तुम्हारा हिस्सा तो नहीं है। तो इसलिए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शुरू से ही साइड पे रखा है, मतलब ताल्लुकात ठीक नहीं थे। ईरान वाज अ कंट्री हु एक्सेप्टेड पाकिस्तान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सबसे पहले उसी ने किया था, मुस्लिम कंट्री में ईरान हमें एक्सेप्ट, अफगानिस्तान ने हमें, यूएन में हम गए थे 30 सितंबर 1947 को, 30 सितंबर 1947 को अफगानिस्तान ने हमें इनकार कर दिया था, मैं नहीं मानता पाकिस्तान को। तो बादशाह खान के बारे में आपको बताऊंगा, हिस्ट्री होगी अफगानियों की शुरू से हमारे खिलाफ है। तो ये जो टोटल बॉर्डर है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2611 किलोमीटर, 2611 किलोमीटर, 2611 किलोमीटर है। ये किताबों में और जीके के एमसीक्यू जो गूगल शुगल पे है उस पर यह गलत दी हुई होती है, कभी 2300 कभी 2252 है कभी 2452 है, तो आपने 2611 लिखनी है। और इसका नया नाम है पाक अफगान बॉर्डर। बिलाल 2430 नहीं है मेरा बेटा, क्या हो गया आपको, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको गलत बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का मैप चेंज हुआ है, पहले पाकिस्तान का एरिया कितना था, अब पाकिस्तान ने दो इंडिया के जो हैं, एक मनावादर और जूनागढ़ दोनों को ऐड किया है उसमें, कश्मीर को भी ऐड कर दिया हमने, जब भी पाकिस्तान का एरिया भी बढ़ गया है। ठीक है बेटा, तो अब ये नहीं है, अब 7,96,996 नहीं है, अब 7,96,096 अब नहीं है, ये आप गलत बता रहे हो जो किताबों का स्क्रीनशॉट आप भेज रहे हो। ठीक है, ये मैं इसको नहीं मानता, मैं तो इसको बोलूंगा अच्छा 2611 किलोमीटर है, डोंट आर्ग्यू ओके। अच्छा 2611 किलोमीटर ये पाक अफगान बॉर्डर है, अब इसका नया नाम भी पाकिस्तान अफगान बॉर्डर है। आप किताबों पर रिलाई करना तो फिर किताबों में जाके पढ़ें, फिर मेरा नाम मेरा लेक्चर ना लेते। ठीक है, तो एक टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो बड़ी रिसर्च करके पढ़ा रहा होता है, मैं नहीं पढ़ा रहा होता, मैं आपको रिसर्च कर, हो सकता है गलत हो, कभी एक बार हो भी जाती है मुझसे गलतियां,
मैं कोई वो चीज़ नहीं हूँ, हो जाती है बहुत सारी गलतियाँ, मैं फ़ौरन करेक्ट करवा तो वहाँ नहीं पता चेक कर लें, लेकिन कम से कम बेटा इसको ख्याल किया करें, ना किया करें, स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं आप, ये तरीका होता है। आगे चलते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमारा अफगानिस्तान के टोटल 11 प्रोविंसेज हैं जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जिनको टच होता है। ये पूरे का पूरा आपका केपीके का और बलूचिस्तान का काफी सारा पोर्शन यहाँ पे, अफगानिस्तान के टोटल 11 सूबे हैं, अफगानिस्तान के टोटल प्रोविंसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हैं अफगानिस्तान के प्रोविंसेस, उनके डिस्ट्रिक्ट भी 422 के करीब हैं, ठीक है, तो छोटे छोटे प्रोविंसेज हैं, 11 प्रोविंसेज तो पाकिस्तान के, अब ये जो बाउंड्री है इधर लगते हैं उनके, ठीक है जी। और ये फाटा की एजेंसीज भी इन्हीं को टच करती हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर को, खैबर एजेंसी है, मोहम्मद एजेंसी है, औरंगजी एजेंसी है जी, 34 प्रोविंसेज हैं टोटल, ठीक है जी। और ये जब मैं बता रहा हूँ कि जब मैप चेंज हुआ था पाकिस्तान का, ये 2019 की बात, आगे चलते हैं। ये ईरान का बॉर्डर है जी, ठीक है जी, यहाँ पे ईरान का बॉर्डर है, और ईरान का जो बॉर्डर है ये पाकिस्तान का और ईरान का बॉर्डर, ईरान के टोटल 4 प्रोविंसेज हैं जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ टच होते हैं। तो ये आपका ईरान का बॉर्डर है, टोटल पाकिस्तान की और ईरान की जो बाउंड्री लेंथ है वो है 909 किलोमीटर, और इसका नाम भी चेंज हुआ है, इसका नाम भी चेंज हुआ है, कैप्टन हवाल, ये जो सॉरी हवालदार ललक जान बाउंड्री, इसका नाम रखा गया है ललक जान बाउंड्री, पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर का नाम है ललक जान बाउंड्री, ठीक है, ललक जान जिसको शहीद था उसके नाम पे ये बाउंड्री डिक्लेयर की गई है पाकिस्तान की और ईरान की, 3 हमारे बॉर्डर लगते हैं पाकिस्तान के ईरान के साथ, ठीक है जी, तफ्तान पशीन मंड है, इसी तरह से एक और भी है, तो ये टोटल 3 बॉर्डर, 909 किलोमीटर की लेंथ है। उसके बाद आ जाता है ये अरेबियन सी, अरेबियन सी जो है ये सबसे हमारा अच्छा दोस्त साउथ में है, ठीक है जी, और अच्छा पाकिस्तान और चाइना के ये जो साउथ में हुआ था, ये बेसिकली हमारी जो टोटल लेंथ है वो है 1058 किलोमीटर कोस्टल लाइन की, अब ये भी चेंज हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहले होती थी 1046, अब ये 1058 किलोमीटर, 1058 किलोमीटर हमारी टोटल कोस्टल लाइन है, 1058 किलोमीटर, ठीक है जी, ये हमारी टोटल कोस्टल लाइन बन जाती है, यहाँ से हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बड़ा अच्छा है दोस्त है हमारा अरेबियन सी, तो ये 1058 इतनी बड़ी कोस्टल लाइन, इतना बड़ा पोटेंशियल है, आप टैप कर सकते हैं, आप क्या कुछ नहीं बना सकते, आप यहाँ पे बहुत कुछ बना सकते हैं, जिस तरह बाकी कंट्रीज ने अपने बीचेस को डेवलप करके वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया हुआ है, हम भी कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हम निकम्मे तरीन लोग हैं। उसके बाद ये आपका आ जाता है जी पंजाब, और इसके साथ आपका इंडिया बैठा हुआ है, ये पूरे का पूरा इधर सिंध के साथ भी इंडिया लगता है, पंजाब के साथ भी इंडिया लगता है, ठीक है जी। तो ये इंडिया के जो टोटल बॉर्डर है पाकिस्तान का और इंडिया का, दैट इज अराउंड 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, ठीक है जी, ये है जी हमारा। भाई आपको नहीं पता, हमारी तो जो है ना क्या कहते हैं उसको यार, वो भी चेंज हुई है, क्या कहते हैं उसको, नॉटिकल माइल्स में आती है समंदर के अंदर, वो क्या कहते हैं उसको, तकरीबन 3.5 नॉटिकल माइल, मैरीटाइम नहीं, उसको नहीं, दैट नॉट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ उसको बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारी बड़ी है, अब हमारी 350 किलोमीटर तक हो गई है कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, ठीक है जी, 350 किलोमीटर में, नॉट एक नॉटिकल माइल में 8 किलोमीटर होते हैं, सॉरी पॉइंट एक नॉटिकल माइल में आई गेस कितने किलोमीटर होते हैं, 8 होते हैं शायद, आई गेस चेक कर लें आप उसको, 1.8 किलोमीटर होते हैं एक नॉटिकल माइल में, 1.8 किलोमीटर होते हैं, ठीक है जी, तो हमारी 350 नॉटिकल माइल्स के करीब है टोटल हमारी जो कोस्टल है, नॉट जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये हमारा इंडिया का बॉर्डर है, इसमें इंडिया के बॉर्डर में पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर कहलाता है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, ठीक है जी, ये जो मैकमोहन लाइन है ये तकरीबन बन जाती है 33323, और जो हमारी रेडक्लिफ लाइन बन जाती है, जिसको रेडक्लिफ लाइन, जो कि रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन बनाया गया था
तो रेड क्लिफ लाइन वाली जो बाउंड्री है कश्मीर को मिला के है 3323 सारा कुछ मिला के। इसमें एलओसी की जो है ये वाली एलओसी आप देख रहे होंगे, एलओसी की जो टोटल लेंथ है दैट इज 861 किलोमीटर, 861 किलोमीटर लंबी है आपकी एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको आप बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल आपकी। ओके मैं ऊपर करता हूं, जो टोटल आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है ये आपकी एलओसी, एलओसी इज आजाद जम्मू कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान जो बाउंड्री बनती है उसको आप एलओसी बोलते हैं। एलओसी की टोटल लेंथ है 861 किलोमीटर, 861 किलोमीटर बनती है टोटल, ठीक है एलओसी की। एलओसी का जो पुराना नाम था वो है जी आपका सीज फायर लाइन, सीज फायर लाइन यूएन ने रखी थी 1 जनवरी 1949 को जब हमारा एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान की और इंडिया के दरमियान बाउंड्री, क्योंकि हमारी फर्स्ट कश्मीर वॉर हुई थी 1947 से 1949 तक, तो उसमें जो है हमारा एलओसी का नाम चेंज करके पहले सीज फायर लाइन था, फिर जब पाकिस्तान की और बांग्लादेश अलग हुए दोनों 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 16 दिसंबर तक वॉर चलती रही थी 3 दिसंबर टू 16 दिसंबर तक, और बांग्लादेश अलग हो गया था। बांग्लादेश जब अलग हुआ तो हमारे 93,000 फौजी कैप्चर कर लिए थे इंडिया ने, 93,000 सोल्जर्स दे वर कैप्ट हॉस्टेज बाय द इंडियन ट्रूप्स। तो उन्होंने क्या किया कि जनाब उन्होंने हमसे कहा कि भाई बंदे छुड़वाने हैं तो हमारे साथ एग्रीमेंट करो कश्मीर के ऊपर। पहले कश्मीर वॉज एन इंटरनेशनल इशू, फिर भुट्टो को जाना पड़ा एग्रीमेंट करना पड़ा इंदिरा गांधी के साथ, और भुट्टो ने 2 जुलाई 1972 को इंडिया के साथ शिमला एग्रीमेंट किया। 2 जुलाई 1972 इंडिया के साथ हमने किया एक एग्रीमेंट जिसको आप शिमला एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है जी। और रेडक्लिफ लाइन टोटल 2100 किलोमीटर बनती है 2100, और उसके बाद तकरीबन ये एलओसी को मिला 861 वर्किंग बाउंड्री के ऊपर आ जाए। ये जो आपकी वर्किंग बाउंड्री है ये है 200 किलोमीटर की। अब ये क्या है, ये पाकिस्तान का जो एक तरफ आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री है पाकिस्तान, दूसरी तरफ आपका डिफेक्टो बॉर्डर आ जाता है जो कि इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसका बॉर्डर, और पाकिस्तान के जो सियालकोट वाली जो पट्टी है उसका जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं आप वर्किंग बाउंड्री, ठीक है। ये नारोवाल शकरगढ़ जो है और ये सारा कुछ उसको बोलते हैं वर्किंग बाउंड्री, WB मैंने लिख दिया यहाँ पे। 200 किलोमीटर टोटल उसकी लेंथ है वर्किंग बाउंड्री की। ये पेपर में पूछता है कितनी लेंथ है, ये 200 किलोमीटर है जी इसकी, क्या कहते हैं इसको, जो बाउंड्री लेंथ है इसकी, ठीक है। अब हम आते हैं आगे की तरफ, डिस्कस करेंगे इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम अच्छा तो टोटल इंडिया का पूछता है आपसे 3323 किलोमीटर जिसमें एलओसी 861 और 200 वर्किंग बाउंड्री है। तो ये तो हमारा हो गया इंडिया। पाकिस्तान का कैपिटल के ऊपर आ जाए, इस्लामाबाद कैपिटल है, पहले हमारा कैपिटल होता था कराची, कराची से इस्लामाबाद कैपिटल शिफ्ट किया गया था, यूब खान ने किया था 1959 के अंदर। कैपिटल वॉज शिफ्टेड इन 1959 जिसमें अयूब खान जब आ गया था, चूंकि उसका मार्शाला 27 अक्टूबर 1958 को अयूब खान ने मार्शाला लगा दिया, उससे पहले सिकंदर मिर्जा ने मार्शाला लगाया हुआ था। अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को एग्जाइल पे भेजा, मुल्क से फारिग किया और खुद आ गया। अच्छा इस्लामाबाद किसी प्रोविंस में नहीं आता, दैट इज इंडिपेंडेंट टेरिटरी, कैपिटल है पाकिस्तान का। अच्छा उसके बाद हमने लियाकत अली, उसके बाद अयूब खान ने सोचा कि यार कराची तो बहुत दूर पड़ता है केपीके से, बलूचिस्तान से तो फिर भी पास है, पंजाब से बाकी एरिया से बहुत दूर पड़ता है, और दूसरा यह है कि वो नेवी से कोई भी कल को अटैक करें या सी की तरफ से कोई भी अटैक करें कराची के ऊपर आ सकता है, तीसरा वहाँ पे जो लीडर्स थे हमारे उनके ऊपर इन्फ्लुएंस थी बिजनेस कम्युनिटी की, क्योंकि कराची हब है बिजनेस कम्युनिटी का, बहुत बड़ा हब है, तो उनकी जो इन्फ्लुएंस थी काफ़ी ज़्यादा थी, उस इन्फ्लुएंस को भी कम करना था। अयूब खान ने इस कैपिटल को शिफ्ट किया कराची, और कराची से पिंडी शिफ्ट किया पहले 1959 में, क्योंकि पिंडी में शिफ्ट किया, इस्लामाबाद में कोई बिल्डिंग नहीं थी एज सच, फिर पिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ 1960 में। 1960 में पिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ, फिर आगे फर्दर इस्लामाबाद से जो है वो उसको ऑफिशियली जो कैपिटल डिक्लेयर किया गया था वो 14 अगस्त 1967
14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को ऑफिशियली कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, पाकिस्तान के तीनों आइन में हमारी जो जुबानें थी, दो आइन में, पहले 1956 का और 62 का, 56 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 23 मार्च को प्रमलगेट हुआ था, 23 मार्च 1956 को पहला कॉन्स्टिट्यूशन, 234 उसके आर्टिकल्स थे, 234 आर्टिकल्स। ठीक है, और उसमें उर्दू और बंगाली दोनों कौमी जुबानें थी, उर्दू और बंगाली। जो दूसरा आइन आया वो 8 जून को दिया गया था, 1962 को प्रमलगेट हुआ, 8 जून 1962, उसमें भी उर्दू और बंगाली दोनों कौमी जुबानें, पहले में कैपिटल कराची था, दूसरे में इस्लामाबाद था। ठीक है, उसके बाद आता है 1963 का, जिसमें एक ही जुबान थी जो कि उर्दू थी, क्योंकि बांग्लादेश से अलग हो चुका। ठीक हो गया, तो नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू है। अब हम आते हैं पाकिस्तान की बाकी चीज़ों की तरफ। सबसे पहले हम जाएंगे ये जो माउंटेन रेंजेस हैं इनकी तरफ जाएंगे। सिंध के अंदर भी है, आपको पता होगा सिंध की मरी, इसको कहा जाता है, या सिंध से कोई होगा स्टूडेंट तो वो बताएगा। सिंध के अंदर यहाँ पे एक दादो के पास एक माउंटेन रेंज भी है, उसको जिस तरह पंजाब के अंदर एक आ जाती है मरी, तो ठीक है जी, यहाँ पे इसी तरह सिंध के अंदर अभी इसको मैं पढ़ाता हूँ, गोरख हिल्स उनको कहते हैं, गोरख हिल्स, वो भी सिंध के अंदर है गोरख हिल्स। तो कमिंग टू द माउंटेन्स, सबसे पहले आप आ जाए को हिंदुकश माउंटेन्स के ऊपर। पाकिस्तान में जो टोटल 5 ऐसी माउंटेन्स हैं, टोटल 5 ऐसी माउंटेन्स, 5, जिनकी जो हाइट है वो 8000 मीटर से अबव है, 8000 मीटर से जो अबव है, 8000 मीटर से जो अबव माउंटेन रेंज है हमारी, वो टोटल 5 है, 5। जो सेंट्रल एशिया से माउंटेन रेंज एंटर हो रही है इन केपी के, उसको बोलते हैं आप को हिंदू कश, को हिंदू कश बोलते हैं आप उसको, केपी के से एंटर हो रही है और सीधी जा रही है यहाँ पे, सॉरी अफगानिस्तान से एंटर हो रही है सेंट्रल एशिया से और सीधी एंटर हो रही है केपीके में, और केपीके से ऑनवर्ड्स फिर जा रही है आगे ये जीबीसीबी की तरफ, तो उसको बोलते हैं को हिंदू कश। को हिंदू कश की जो सबसे बुलंद तरीन जो पीक है, सबसे जो बुलंद तरीन पीक है, दैट इज तिरचमीर, दैट इज तिरचमीर, जो सबसे बुलंद तरीन हमारी जो पीक है, चोटी है, वो उसको तिरचमीर बोलते हैं। तिरचमीर की जो टोटल हाइट है वो 76.90 मीटर्स है, 7690 मीटर है जी आपकी तिरचमीर की जो है टोटल जो हाइट बोलते हैं उसको, 7690 मीटर्स बन जाती है तिरचमीर की, 7690 मीटर। ठीक है जी, तो ये इसकी हाईएस्ट पीक आपसे पूछेगा पेपर में, कौन सी है को हिंदू कश की, तो तिरचमीर पे टिकल करना है और 7690 उसकी टोटल हाइट हो गई। ठीक है जी, उसके बाद हम आगे की तरफ आते हैं। ये बेसिकली तिरचमीर का इलाका है और ये को हिंदू कश का, ये बेसिकली हुंजा रिवर से काबुल रिवर तक फैली हुई है, हुंजा रिवर से काबुल रिवर की तरफ फैली हुई है, और जो तिरचमीर है ये चित्राल के अंदर आती है, तिरचमीर इज इन चित्राल, चित्राल। और जो ये अपना को हिंदू कश माउंटेन रेंज है, ये हुंजा रिवर से लेकर काबुल रिवर तक आपकी फैली हुई है। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं हम कराकरम रेंज की तरफ, कराकरम रेंज की तरफ। तो ये जो कराकरम रेंज है ये आपकी चाइना से स्टार्ट होती है, चाइना से स्टार्ट होती है और सीधा एंटर होती है खंजराब पास से, ये अंदर ही अंदर कराकरम जो हाईवे भी बना हुआ है और सीधा जीबी में एंटर हो जाती है। इसकी जो हाईएस्ट माउंटेन है दैट इज के टू। तो ये जो के टू है इसको गुडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गुडविन ऑस्टिन, ठीक है जी, जी ओ डी डब्ल्यू आई एन गुडविन, गॉडविन ऑस्टिन, ए यू एस टी आई एन, गॉडविन ऑस्टिन भी के टू को बोलते होते हैं। ठीक है जी, और ये के टू कराकरम रेंज है, 8611 मीटर इसकी टोटल हाइट है, 8611 मीटर इसकी टोटल हाइट है K2 की, और K2 अबव इंडस के ऊपर बैठी हुई है K2, ठीक है, इंडस के ऊपर वाली जो साइड है उसको हम K2, वो K2 माउंटेन इंडस के ऊपरली वाली साइड, ऊपर वाली साइड पे है। तो ये भी कराकरम भी हो गई, K2 भी हो गई। उसके बाद आते हैं K2, दुनिया की दूसरी बड़ी माउंटेन है, बहुत ऊंची जो माउंटेन है वो दूसरी बड़ी माउंटेन है। उसके बाद आते हैं हिमालयाज, ये आपके हिमालयाज हैं, जो हिमालयाज हैं ये आपके जो है वो, चूंकि पाकिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है, इंडिया के साथ भूटान, भूटान के साथ नेपाल का बॉर्डर लगता है, तो ये उधर से आ रही है माउंटेन रेंज।
जूम बोर्ड मैंने कभी यूज नहीं किया तो इसलिए मुझे पता नहीं चलता। मैप तो आज का ही है, कल से हम इस्लामियत पढ़नी है तो आज बर्दाश्त कर लें। आपके पास पिक्चर इसीलिए मैंने भेजी थी कि आपको ये पिक्चर बोर्ड की आपके ग्रुप्स में आई हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है बेटे, अच्छा आगे चलते हैं। हिमालयस, जो हिमालय है नेपाल भूटान से आ रही है इंडिया, इंडिया से आ रही है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और यहाँ से आगे की तरफ जा रही है। ये तीनों माउंटेन रेंज मिलती भी हैं। एक ऐसा पॉइंट आता है जो जिसपे जिसको बोलते हैं पामीर प्लेटो या पामीर नॉर्थ। ये तीनों की तीनों जो माउंटेन रेंजेस हैं, एक तरफ हिंदू कश आ रही है, एक तरफ आपकी कराकरम आ रही है, एक तरफ आपकी ये हिमालय आ रही है, इस पॉइंट पे जाकर तीनों माउंटेन रेंज मिलती भी हैं। ठीक है ना, इधर से को हिंदू कश है, हिंदू कश, इधर से कराकरम, इधर से हिमालय, ये तीनों एक पॉइंट पे मिलती है माउंटेन रेंज, और इस पॉइंट को बोलते हैं पामीर प्लेटो। पामीर प्लेटो, PAPLATU, पामीर प्लेटो इसको बोलते हैं, पामीर नॉट भी कहते हैं। ये बहुत ऊंची जगह है, इसको बोलते हैं रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पामीर प्लेटो इज ऑल्सो कॉल्ड रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पामीर प्लेटो इज ऑल्सो कॉल्ड वॉट, रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा आगे चलते हैं जी, अब आ जाए हम हिमालयाज की तरफ। ये हिमालय इधर से आते आते सबसे दुनिया की सबसे बड़ी जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो हिमालय के अंदर आती है, लेकिन माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल के अंदर है, और बहुत बड़ी चोटी है, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है वो, तकरीबन 8849 मीटर उसकी टोटल हाइट है, 8849, 8849 टोटल मीटर उसकी जो हाइट है माउंट एवरेस्ट की, 8849 मीटर उसकी हाइट है। उसके बाद जो हिमालय है जो पाकिस्तान के अंदर है वो है जी नांगा पर्वत। नांगा पर्वत भी 8000 से ऊपर की बुलंदी पे है। नांगा पर्वत, जो नांगा पर्वत है आप उसको थोड़ा समझें, किलर माउंटेन्स भी हैं यहाँ पे और काफी बड़ी गंदी, ये 8126 मीटर इसकी टोटल हाइट बनती है नांगा पर्वत की। 8626 मीटर है नांगा पर्वत की। नांगा पर्वत इज द पार्ट ऑफ हिमालयन, जो करा हिमालयन माउंटेन रेंज है, दैट इज द पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज नांगा पर्वत। अनदर वन इज लेसर हिमालयाज, जो हिमालय के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे हैं। ठीक है जी, जो आपके ये जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे नीचे वाली साइड पे, वो लेसर हिमालयाज उनको बोलते हैं। लेसर हिमालयाज की जो हाईएस्ट जो पीक है वो पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं, कश्मीर के अंदर है, आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर पीर पंजाल की उस पहाड़ियां बोलते हैं उसको। ठीक है जी, और पीर पंजाल की पहाड़ियां लेसर माउंटेन्स का, माउंटेन रेंज का, उनकी टोटल जो लेंथ है वो 3000 से 4000 मीटर तक इनकी हाइट होती है। टोटल इनकी हाइट 3000 से 4000 मीटर तक होती है, लेसर हिमालयाज की कम होती है एज कम्पेयर टू जो हिमालयाज है। उसके नीचे अगली सब हिमालयाज, सब हिमालयाज की 2000 मीटर से 2500 मीटर तक या 1500 से 2500 मीटर तक इनकी टोटल हाइट होती है। और ये शिवालिक की जो माउंटेन्स हैं, शिवालिक की, SHAWALAK, शिवालिक की माउंटेन रेंज, ये सब हिमालयाज का पार्ट है। ये पेपर में पूछता होता है कि किसकी माउंटेन रेंज का किसका पार्ट है, तो ये जो शिवालिक है ये सब हिमालयाज का पार्ट है बेसिकली, और इसकी टोटल हाइट बनती है 2000 से तकरीबन 2500 मीटर तक की इसकी टोटल हाइट बनती है। अगेन अगेन टोटल मैंने आपको बताया था पांच ऐसी बड़ी माउंटेन्स हैं जो उनका नाम आपको पता होना चाहिए, जो 5000, जिनकी हाइट 8000 मीटर से ऊपर है, पाकिस्तान के अंदर पाई जाती हैं। एक तो है आपकी केटू, ठीक है जी, अच्छा तो केटू हो गई 6 से 11 मीटर की, सेकंड दुनिया के अंदर है। फिर नांगा पर्वत भी हमने बता दिया, जिसको किलर माउंटेन भी कहते हैं, नांगा पर्वत को बोलते हैं किलर माउंटेन्स। नांगा पर्वत की है 8126 मीटर हाइट, किलर माउंटेन जिनको बोलते हैं। उसके बाद आती है हिडन पीक, हिडन पीक की है 8068 मीटर हाइट, 8068 टोटल उसकी बन जाती है जी, 8068 हिडन पीक। ठीक है जी, उसको बोलते हैं हिडन पीक। एक और है ब्रॉड पीक, जिसको आप फाल्कन कांगरी भी बोलते हैं, फाल्कन कांगरी, फाल्कन कांगरी, ब्रॉड पीक उसका नाम है, ब्रॉड पीक, BROAD, ब्रॉड PEAK पीक। ब्रॉड पीक की जो टोटल हाइट बनती है वो है जी आपकी 8048, 8048, 8048 मीटर्स। ठीक है जी, इसको आप बोलते हैं FALCHN, फाल्कन,
कांग आर आई री, फाल्कन कांग री, वो भी उसको बोलते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं। एक और माउंटेन रेंज है जिसकी हाइट अगेन 8000 से ऊपर है। ठीक है जी, उसका नाम है गश, जी ए एस एच ए बी आर यू एम डबल एल, गशाब रूमल। गशाब रूमल जो है ये भी पाकिस्तान की, जी ए एस एच ए बी आर यू एम एल, शाब गशाब रूमल। ठीक है जी, गशाब रूमल। और 8035 मीटर है टोटल इसकी हाइट, 8035 मीटर इसकी टोटल हाइट बनती है, जी ए एस एच ए बी आर यू एम डबल एल, इसको जो भी आप पढ़ लें। तो ये टोटल 5 ऐसी माउंटेन रेंजेस हैं जिनकी हाइट जो है वो इनकी क्या बनती है, इसको कह लें कि 8000 मीटर से ऊपर बन जाती है। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं और आगे की तरफ इसको जाएंगे लेके क्या कहते हैं एक एक सूबे को भी बाद में डिस्कस करते हैं। और कागान वैली, कागान वैली उसको बोलते हैं बेसिकली पर्ल ऑफ हिमालयाज, ये भी यहाँ पे आती है, पर्ल ऑफ हिमालयाज कागान वैली को बोलते हैं, पर्ल ऑफ हिमालयाज। कराकरम रेंज के बारे में आपको बता दिया है। एक है वखान कॉरिडोर, ठीक है जी, वखान कॉरिडोर जो है बेसिकली वो ये एक आपका बन जाता है, ये सेंट्रल एशिया के अंदर एक कंट्री है। ठीक है जी, वहाँ से अफगानिस्तान के बॉर्डर से होती हुई और ये ताजिकिस्तान के बॉर्डर तक जाती है। ठीक है जी, और उसको आप बोलते हैं वखान स्ट्रिप, 27 किलोमीटर उसकी टोटल लेंथ है और अफगानिस्तान से होते हुए जाके आगे मिलाती है ताजिकिस्तान को। और अगर वो पाकिस्तान को मिल जाए तो हमें अफगानिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अफगानिस्तान अगर वो दे दे, लेकिन वो देगा नहीं, हमें डायरेक्ट सेंट्रल एशिया तक राउट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी, तो केटू के बारे में भी हो गया हुआ है, दुनिया की दूसरी बड़ी हाईएस्ट पीक है, और सियाचिन ग्लेशियर भी केटू के बड़ा करीब पड़ता है। ठीक है जी, और पहला जो पाकिस्तानी था जिसने केटू को क्लाइम किया था वो अशरफ अमान था, उसने केटू को सर किया था, माउंट किया था। और तुम्हें समीना बेग का नाम आता है जिसने ये जो है वो दूसरी बड़ी चोटी को, फिर उसके बाद नायला कियानी है, नायला कियानी ने भी केटू को सर किया हुआ है, और उसके बाद आपकी जो है ये समीना बेग बहुत बड़ी माउंटेनियर थी, उसने भी इसको किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये हिमालय के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सब हिमालयाज शिवालिक के बारे में बता दिया हुआ है, लेसर हिमालयाज भी बता दिया मैंने आपको, पीर पंजाब वाला जो ग्रेटर हिमालयाज हैं ऊपर सबसे ऊपर वाले हिमालयाज, या इनको ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं, ये ग्रेटर हिमालयाज भी हमने इसको डिस्कस कर लिए। नांगा पर्वत आ जाती है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है वो नांगा पर्वत जो है, जीबी के इलाके में आती है नांगा पर्वत, और दुनिया की जो है वो 9th लार्जेस्ट और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी हाईएस्ट पीक है नांगा पर्वत, दुनिया की 9वीं बड़ी है, 9th। ठीक है जी, और नांगा पर्वत का मतलब है नेक्ड माउंटेन, नेक्ड NAKED, नेकेड, नेकेड माउंटेन बोलते हैं इसको नांगा पर्वत को, ये जो है आपकी नांगा पर्वत नेकेड माउंटेन इसको बोलते हैं। नांगा पर्वत को पहला जो बंदा था हरमन HERMN हरमन बोल नाम था, BUHL, उसने इसको सर किया था, हरमन बोल। ठीक है जी, इसी तरीके से ये भी आपकी हो गई है, पामीर प्लेटो भी मैंने आपको बता दिया हुआ है, इसको रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और कोह सफेद आपका गेन आ जाता है, कोह सफेद पाकिस्तान से होता हुआ अफगानिस्तान में जाता है, और उसकी हाइएस्ट पीक आती है सिकराम, SIKRAM, सिकराम, सिकरम उसकी हाईएस्ट पीक बन जाती है कोह सफेद की, इधर आपका बैठा हुआ है केपीके के अंदर सिकरम, और उसकी टोटल हाइट बनती है 3600 मीटर्स कोह सफेद की। उसके बाद सुलेमान रेंज आती है, ये आपकी अभी तो माउंटेन्स पढ़ा रहा हूँ, अभी तो वेट करें, अभी तो और बहुत कुछ पढ़ना है, अभी तो बॉर्डर्स होती है, दो चीज़ें हुई हैं डिस्कस, अभी वेट करें ना भाई। उसके बाद आती है जी आपकी ये कोह सुलेमान रेंज आपका जो डीजी खान वाला बेल्ट बैठा हुआ है, डेरा इस्माइल खान वाला, डीजी खान वाला, वहाँ पे ये फैली हुई है। ठीक है जी, और ये क्या कहते हैं, इनकी हाइट तकरीबन 3300 से 3400 तक बनती है, और तख्ते सुलेमान इसकी हाईएस्ट पीक है कोह सुलेमान की, कोह सुलेमान की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज तख्ते सुलेमान। ये जो कीर्थर रेंज है ना, कीर्थर रेंज किधर गई, ये बोली इधर, कोकीर्थर रेंज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेंज है कोकीर्थर।
ये बेसिकली बाउंड्री का काम करती है, सिंध के अंदर भी है, बलुस्तान के अंदर भी है, कुछ पोर्शन पंजाब के अंदर भी आ जाता है कुकी थर का थोड़ा सा, लेकिन ज्यादातर इसका बलुस्तान और सिंध के अंदर फैली हुई है। ठीक है जी, ये आपका बनियू बलूचिस्तान और देन ये अगेन सिंध के इलाके में फैली हुई है। ठीक है जी, तो ये जो कोकीर्थर रेंज है इसको थोड़ा सा समझ लें आप। कोकीर्थर रेंज, इसकी जरदक हाईएस्ट पीक है, जरदक, जरदक, ZARDAK, जरदक उसकी हाईएस्ट पीक है जो आपकी ये कोकीर्थर माउंटेन रेंज है। जरदक की जो टोटल आपकी बन जाती है ये बेसिकली इंडस को, बलूचिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसको सेपरेट करती है, खुजदार वगैरह से सेपरेट करती है। खुजदार जो इसका है यहाँ पे है बेसिकली अफगानिस्तान बलूचिस्तान के अंदर है खुजदार, ये इधर बैठा हुआ डिस्ट्रिक्ट, ये उसको बलूचिस्तान को और ये इधर इंडस रिवर दोनों को अलग करती, तो वहाँ तक ये फैली हुई गोरख, उसके बाद ये आपकी कीर्थर रेंज जो है। तो जरदक उसकी हाईएस्ट है और जरदक की तकरीबन 2267 उसकी मीटर उसकी टोटल हाइट बन जाती है जरदक की। उसके बाद एक और है गोरख हिल स्टेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे दादो के पास, दादो एक सिंध का इलाका है, यहाँ पे गोरख हिल स्टेशन ये वेस्ट बनता है सिंध का। ठीक है जी, यहाँ पे इस तरफ वेस्ट बनता है सिंध का, ये वाला वेस्टर्न पार्ट बनता है, तो ये उधर बैठी हुई है। इनको ग्रेव ऑफ द गॉड कहते हैं, ग्रेव ऑफ द गॉड, ग्रेव ऑफ द गॉड, गोरख हिल स्टेशन को ग्रेव ऑफ द गॉड ये भी इनको कहते होते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद सॉल्ट रेंज मैंने आपको वैसे बता दी है, सॉल्ट रेंज भी आपकी पोठोवार प्लेटो और ये सारी की सारी ये जो है आपका इस्लामाबाद जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है, क्या कहते हैं उसको यार ये नहीं, बीच में पहाड़ से आते हैं नहीं, कलर का हार की माउंटेन है मेरे ख्याल से, हाँ यस कलर का हार की, ये सारे का सारा वही दरी ये पार्ट बन जाता है इसको सॉल्व कलर का हार वाला रेंज और ये सारा पोठोवार प्लेटो के अंदर आ जाता है। पोठोवार प्लेटो बेसिकली पिंडी के कुछ इलाके हैं, चकवाल झेलम वगैरह के अटक शटक के इलाके हैं। ठीक है जी, और ये तकरीबन सी लेवल से 300 से 600 मीटर की हाइट पे है। ठीक है जी, उसके बाद आगे की तरफ आते हैं और चागी हिल्स के ऊपर आते हैं, चागी हिल्स तकरीबन 3000 मीटर के ऊपर फैली हुई है ये चागी, यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर है, 3000 मीटर इनकी टोटल हाइट है और ये बलूचिस्तान को अफगानिस्तान से सेपरेट करती है चागी हिल्स। एक तरफ आपका बलूचिस्तान है, एक तरफ आपका बलूचिस्तान है और दूसरी तरफ आपका 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 अफगानिस्तान है, तो इन दोनों को सेपरेट करती है आपकी चागी जो माउंटेन रेंज है, ये चागी जहाँ पे हमने धमाके किए थे मैं पहले बता चुका हूँ। जिनको लेक्चर की समझ नहीं आ रही है, समझ का मतलब कि जो कह रहे हैं कि जिनको इंटरनेट का इशू आ रहा है कुछ भी, उनको लेक्चर की रिकॉर्डिंग आज मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सिर्फ आज के लिए, कल आपकी जिम्मेदारी है, मेरी तरफ से मेरे एंड पे नेट का कोई इशू नहीं है, आपकी तरफ से इशू। ठीक है, आगे चलते हैं, देन उसी के बाद आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से 5 माउंटेन रेंजेस हो गई हैं सारी की सारी, चागी भी मैंने आपको बता दिया, ये ब्रॉड पीक भी हो गई है, डन पीक भी हो गई है, गैशर ब्रोमल भी हो गई है, उसके बाद आपकी ये सारा कुछ हो गया हुआ है। अब हम आते हैं क्या कहते हैं, किराना हिल्स भी हैं सरगोधा के बिल्कुल पास, किराना हिल्स सरगोधा में एक सूंस केसर खुशाब के अंदर आ जाती है वैली, सूंस केसर वैली है खुशाब के अंदर आ जाती है। ठीक है जी, इसी के अलावा सेहान रेंज टोबा काकड़ रेंज ये सारी की सारी बलूचिस्तान के अंदर पाई जाती हैं। रास्को हिल्स भी, ये आपका बलूचिस्तान और इंडस के दरमियान है रास्को हिल्स। ठीक है जी, यहाँ पे रास्को हिल्स पाई जाती है, तो ये बलूचिस्तान और इंडस को सेपरेट करती हैं रास्को हिल्स, रास्को हिल्स। ठीक हो गया, अच्छा जी, ये रास्को हिल्स तो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आते हैं मजीद चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, पासिस को डिस्कस करते हैं, फिर हम एक एक करके कंट्रीज की तरफ जाएंगे और डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाएं, अब रिवर्स भी अभी हमारे पास पड़े हुए हैं, अभी हमारे पास काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो अभी हमने जाना नहीं है, 9 बजे तक क्लास है, अभी इधर ही ठहरें। अभी हम जाते हैं जी, हमारी माउंटेन रेंजेस सारी की सारी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी थी सारी हो गई हैं, कम्प्लीट हो गई हैं माउंटेन रेंजेस। अब हम आते हैं पासिस की तरफ, एक मिनट दें, अब हम आते हैं जी पासेस की तरफ। ठीक है, ये जो आपके पासेस हैं, पासेस अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन सा पास किसको मिलाता है, कौन सा पास किसको, फिर उसके बाद हम ग्लेशियर्स के ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद रिवर्स माउंटेन्स डेजर्ट्स इस तरफ जाएंगे। तो
क्या कहते हैं, अब हम जाएंगे किसकी तरफ, पासेस की तरफ। पास क्या होता है, पासेस क्या होते हैं आपके, पासेस ये होते हैं लेट्स सपोज के एक कनेक्ट कर रहे होते हैं दो सिटीज को कह लें या दो एरियाज को कह लें, एवं पास बना दिए होते हैं जहां से एक ऊपर वो एक बैरियर सा लगा होता है उससे गुजर के जाते हैं। ठीक है, तो ये पासेस अभी हमने करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बाबू सर पास की तरफ जाते हैं, ये बाबू सर पास की इसको किससे कनेक्ट करता है, आप लोग लिखते जाना साथ साथ। ये बाबू सर पास केपीके को जीबी के साथ कनेक्ट करता है यहाँ पे, बाबू सर पास, ये केपीके और ये जीबी, ठीक है जी। तो ये केपीके और जो जीबी है उसको ये कनेक्ट करता है बाबूसर पास आपका, ठीक है जी। और तकरीबन ये आपका ग्रे, ये जो आपका क्या कहते हैं केपीके को जीबी के साथ कनेक्ट करता है, इसकी तकरीबन ये मानसेरा और एक और इलाका है दबाबर का और पता नहीं कौन सा, मानसेरा और दबाबर यहाँ पे पाया जाता है आपका, थोड़ा सा आगे जाके है, और बाबूसर पास। दूसरे पे बुलान पास, बुलान पास ये इधर कोयटा है और ऊपर सिब्बी, तो सिब्बी और कोयटा दोनों को कनेक्ट करता है बुलान पास, उसका नाम है बुलान पास, सिब्बी और कोयटा को आपस में मिलाता है बुलान पास, ठीक है जी। और सिब्बी जो है वो बहुत बड़ी हॉटेस्ट एरिया बन जाता है आपका। अच्छा नींद नहीं पूरी हो रही है, आपको पता है कि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है काम का, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं काफी ज्यादा, और सारा दिन सुबह उठ के 7 बजे ऑनवर्ड्स रात के 2-2 बजे तक, तो खैर बड़ा कुछ होता है आपको। आगे चले जी, पासेस की तरफ आ जाए, पासेस की तरफ आ जाए। दूसरा आपका है जी बुलान पास, बुलान पास सिब्बी को कोयटा के साथ कनेक्ट करता है, और सिब्बी पाकिस्तान की सेकंड हॉटेस्ट प्लेस है, पहली आपकी हॉटेस्ट प्लेस पाकिस्तान में जैकब आबाद है सिंध के अंदर, जैकब आबाद सिंध के अंदर है, दूसरे नंबर पे सिब्बी है, वो सिब्बी दूसरी हॉटेस्ट प्लेस है, ठीक है जी। ये बेसिकली तोबा काकड़ रेंज में आता है ये बुलान पास आपका, तोबा काकड़ रेंज के अंदर। उसके बाद है दोरा पास, DORAH, दोरा पास, दोरा DORAH, ये जो दोरा पास है ये किसको किससे कनेक्ट करता है लिख ले, ये केपीके को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है दोरा पास, ये आपका केपीके ऊपर और ये आपका दोरा पास, ये इधर आपका अफगानिस्तान है और इधर आपका केपीके है, ये दोनों को कनेक्ट करता है दोरा पास केपीके को अफगानिस्तान के साथ, और ये को हिंदू कश की माउंटेन रेंज में आता है, को हिंदू कश की माउंटेन रेंज में आता है। एक और है जी खंजराब पास, खंजराब पास ये तो बड़ा आसान है, आप सबको पता है, मैं अभी ऊपर बता के आया हूँ, ये जीबी को पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है, और बेसिकली जीबी को जिनजियांग एक इलाका है चाइना का, जिनजियांग XINJIANG, जिनजियांग और जो आपका खंजराब पास है उसको मिलाता है जीबी, और खंजराब पास जीबी और जिनजियांग को आपस में मिलाता है, यानी कि चाइना और पाकिस्तान का बेसिकली बॉर्डर है खंजराब पास, ठीक है जी। ये कराकरम रेंज के अंदर आ जाता है, कराकरम रेंज के अंदर, और यहाँ से एक रोड है नेशनल हाईवे 35, NH35, वो यहाँ से गुजर रही है बेसिकली कराकरम जो है माउंटेन यहाँ। उसके बाद खैबर पास आ जाता है, खैबर पास अगेन बहुत ईजी है, खैबर पास अगेन केपीके को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है, केपीके को अफगानिस्तान के साथ जो जो पास कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं खैबर पास, ये पेपर में पूछता है इसलिए आप लोग याद रख लें, ठीक है जी। ये आपका आ जाता है जी एक कोहे सफेद वाली जो माउंटेन रेंज है उधर आ जाता है कोहे सफेद, ठीक है जी। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है, इसको डिक्लेयर किया गया 2019 में, और ये बेसिकली कोहे सफेद के अंदर पाया जाता है। फिर एक और पास है टोची पास, TOCHI, टोची PASS पास, ये टोची पास क्या है, टोची पास किसको किससे कनेक्ट करता है, ठीक है जी। ये जो केपीके के अंदर जो बन्नू है, बन्नू का इलाका, उसको वजीरिस्तान के साथ कनेक्ट करता है, बन्नू एक फ्रंटियर रीजन है, उसको वजीरिस्तान के साथ, बन्नू को वजीरिस्तान के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है जी। और ये यानी कि जो अफगानिस्तान का जो गजनी वाला पार्ट है, ठीक है, ये उधर तक ये रोड जा रहा है, गजनी की तरफ जा रहा है आपका, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, खासतौर पे टोची पास के बारे में।
ठीक है, टोची पास वजीरिस्तान को केपीके के साथ मिला रहा होता है। पहले वजीरिस्तान चूंकि फाटा का इलाका था और अब ये इसका इलाका है, क्या कहते हैं, अब भी केपीके का इलाका है लेकिन अब फाटा। 25th अमेंडमेंट थी, 25 अमेंडमेंट थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके तहत मर्ज कर दिया गया है। 31 मई 2018 को 25th अमेंडमेंट जो है वो पास कर दी गई थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनी थी। उसके बाद है लुआरी पास, लुआरी LOWARI, लुआरी पास, ये किसको किससे कनेक्ट करता है? लुआरी पास ये चित्राल को दीर के साथ कनेक्ट करता है। लुआरी पास ये जीबी का इलाका, यहाँ पे चित्राल को दीर, दीर का इलाका है, चित्राल को दीर के साथ कनेक्ट करता है आपका लुआरी पास, और ये आपकी हिंदू कश माउंटेन रेंज के अंदर अगेन आ जाता है। ठीक है जी, और लुआरी टनल भी एक बनी हुई है यहाँ पे, और साउथ एशिया की लार्जेस्ट टनल है लुआरी टनल। लुआरी टनल यहाँ पे बनी हुई है, LOWARI, लुआरी टनल इज द लार्जेस्ट टनल ऑफ साउथ एशिया, बहुत बड़ी टनल है लुआरी जो टनल है। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद अगेन हम आगे की तरफ आते हैं। उसके बाद है एक ब्रोगल पास, BROGHAL, ब्रोगल पास, BROGHAL, ब्रोगल पास, ये किसको किससे कनेक्ट करता है? पाकिस्तान को अगेन अफगानिस्तान से कनेक्ट करता है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक देखते हैं, चेक करते हैं, मुझे ये बताएंगे पाकिस्तान का जो हाईएस्ट पास है वो कौन सा है? हाईएस्ट पास, हाईएस्ट का मतलब जो बहुत ऊंचा है, ये पेपर में पूछता होता है बहुत दफा। नहीं है खुजराब भाई, खुजराब नहीं है, मुस्तक पास है, मुस्तक, MUZ, मुस्तक, MUZTAGH, मुस्तक पास, ये पेपर में पूछता होता है भाई पाकिस्तान का हाईएस्ट पास कौन सा है? मुस्तक पास है हाईएस्ट पास, मुस्तक, TAGH, मुस्तक पास। उसके बाद शंदूर पास, अगेन चित्राल को गिलगत के साथ कनेक्ट करता है शंदूर पास, जहाँ पे शंदूर का पोलो भी खोला खेला जाता है, शंदूर का बड़ा फेमस है शंदूर पास। सिटी ये चित्राल को गिलगत के साथ कनेक्ट करता है, और इस चित्राल को जीबी के साथ कनेक्ट करता है, गिलगत के साथ, यहाँ पे बहुत ऊंचाई वाली जगह पे है और पोलो का इवेंट भी होता है यहाँ पे। ठीक है जी, और बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है स्पोर्ट्स का, तकरीबन जुलाई में होता है, नॉर्मली 7 से 9 जुलाई तक होता है। ठीक है जी, उसके बाद ब्रोगल पास मैंने आपको बता दिया, संदूर पास भी बता दिया, चित्राल को गिलगत के साथ कनेक्ट करता है ये जीबी के इलाके में। उसके बाद है एक दारकोट पास, DARKOT, दारकोट पास, दरकोट, DARKOT, दरकोट पास, ये केपीके को जीबी के साथ कनेक्ट करता है, केपीके को जीबी के साथ, दरकोट ऊपर केपीके और यहाँ पे जीबी, दोनों को कनेक्ट करता है। चित्राल को बेसिकली गीजर का इलाका है, केपीके का गीजर का इलाका और चित्राल का इलाका, उनको कनेक्ट करता है ये। ठीक है जी, तो चित्राल से गीजर तक का इलाका भी यहाँ पे दरकोट पास केपीके को जीबी के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है जी, इसी तरीके से गोमल पास है, गोमल पास अगेन केपीके को ये अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है, केपीके को, गोमल पास, GOML, गोमल, PAS, पास, गोमल पास। बुलान पास का बता दिया, बाबूसर पास भी बता दिया मैंने आपको, खोजक पास, खोजक पास, खोजक पास, ये किसको किससे कनेक्ट करता है? ये बलूचिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है, चमन बॉर्डर जहां से आपका है, ये बेसिकली खोजक पास, उधर ही चमन पास भी आसपास ही है, चमन बॉर्डर। ठीक है जी, तो ये किला अब्दुल्ला के अंदर है बलूचिस्तान का इलाका, बलोचिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है ये बलोचिस्तान और ये आपका अफगानिस्तान, तो ये उधर ही है आपका जो है खोजक पास। ठीक है जी, टोबा अचक जई, एक टोबा अचक जई है एक माउंटेन रेंज, वहां पे ये पड़ा हुआ है और कनेक्ट करता है उसको उससे, तो ये बेसिकली क्वेटा को बलोचिस्तान अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है आपका खोजक पास। अगेन है कराक्रम पास, कराक्रम पास दुनिया का ये भी एक बहुत ऊंचा पास है, वन ऑफ द हाईएस्ट पासिस में से, और जो कि ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है और चाइना का इलाका है वहाँ पे उनको आपस में कनेक्ट करता है थोड़ा बहुत। ठीक है जी, और कराक्रम वाला जो पास है AJK को और चाइना को, कराक्रम हाईवे कंप्लीट हुआ था 1978 को, 1978 को, ये वो टाइम था जब आपका यूब खान का टेन्योर कंप्लीट हो गया था, खत्म
हो रहा था 1969 के अंदर वो ख़त्म हुआ था, और 19 नहीं अयूब खान का दौर नहीं था ये, वो भुट्टो के दौर की बात, ज़िया के दौर की बात है। ज़िया का दौर हुआ था शुरू 5 जुलाई 1977 को, तो ये ज़ियाउल्लाह के दौर की बात है जब ये स्टार्ट हुआ था, जब ये कंप्लीट हुआ था कराक्रम रोड हाईवे जिसको बोलते हैं 1978, ये भी पेपर में पूछता होता है। कराक्रम एक तुर्किश जुबान का वर्ड है, क्रम्बलिंग रॉक उसको बोलते हैं, क्रम्बलिंग रॉक उसका मतलब है क्रम्बलिंग रॉक। तकरीबन कराक्रम जो हाईवे बना हुआ है पूरे का पूरा 1300 किलोमीटर का बना हुआ है, और वो जिनजियांग तक जाता है, वो चाइना के अंदर जिनजियांग तक जाता है, ठीक है जी। वो हसन अब्दाल से यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ऊपर तक जा रही है कराक्रम हाईवे जो है आपकी, 20 साल में ये कंप्लीट हुआ था बेसिकली आपका। अब हम आते हैं जी, पासेज भी आपके हो गए हैं मेरे ख्याल से, तमाम पासेज जो मेन मेन हैं मोटे मोटे पासेज हैं। भुट्टो को तो प्रोफेशनल करियर 1958 में ही स्टार्ट हो गया था जब वो मिनिस्टर बना था, और उसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर बना है वो 1963 में जाके बना है भुट्टो, ठीक है जी। दोरा पारा चटोची होची हो गए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, अब हम आते हैं जी रिवर्स की तरफ, रिवर्स के ऊपर आ जाए जी। ये रिवर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये अच्छा चले रिवर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों ने रिवर्स बड़े गौर से करने हैं, यहाँ से पेपर में अच्छा खासा सवाल पूछता होता है आपके। मुस्तक पास बहुत ऊंचा पास है, मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। हसन अब्दाल से जिनजियांग तक जाता है तकरीबन, काफ़ी बड़ा रोड है, 1978 में कम्प्लीट हुआ था। तो उसके बाद आप देखें कि एक लेक्चर के अंदर आपके कितने MCQs कवर अप हो रहे हैं, आपको यहाँ से अंदाज़ा लग रहे हैं आप पढ़ भी आप सीक्वेंस में रहें, और आपको एक MCQ हर तरह से आपको चीज़ें भी समझ आ रही हैं। मैप जब आप सामने रख के खुद जब आप बनाएंगे ना आप अपने हाथों से, भले मेरा वाला मैप को कॉपी करके बना दें आप, आपको तब चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। तो आपकी असाइनमेंट आपने बनाना है, अपने लिए बनाना है। उसके बाद आगे चलते हैं ऑनवर्ड्स, रिवर्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इंडस रिवर की तरफ, ठीक है जी। ये आपका इंडस रिवर है, उसकी तरफ आप जाएंगे हम, और इंडस रिवर को आप देख रहे होंगे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से स्टार्ट होता है ऑनवर्ड जाते 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 जाते, ये यहाँ से GB, ये AJK, AJK से GB, GB से KP, KP से गेट पंजाब, और पंजाब से सिंध, और यूं नीचे जाके अरेबियन सी का पार्ट बन जाता है, और जहाँ पे ये अरेबियन सी में डटा के करीब करीब जाके गिर जाता है, और वहां पे एक एक वो बनाता है डेल्टा, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक चलें ले लें आप, 5 मिनट का ब्रेक, 8:33 है, तो मैं दोबारा से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। ये मैं आपको रिवर्स से पहले मैं आपको चाह रहा हूँ कि ग्लेशियर्स पढ़ा दूँ, ताकि वो भी आपके जल्दी से ख़त्म हो जाए। अभी आपके रिवर्स पड़े हुए हैं, ग्लेशियर्स पड़े हुए हैं, डैम्स पड़े हुए हैं आपके सारे, आपकी लेक्स पड़े हुए हैं, आपके डेजर्ट्स पड़े हुए हैं, और उसके बाद आपके तमाम प्रोविंसेस पड़े हुए हैं। तमाम प्रोविंसेस को भी हमने एक एक करके डिस्कस करते जाने हैं, ठीक है। तो वो भी अब आपका पड़ा हुआ है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं देख के। ये कुछ बच्चे जा रहे हैं, उसके रीज़न ये कि मैंने कह दिया कि रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, इसलिए उसे जा रहे हैं, खैर उनकी मर्जी। आगे चलते हैं हम ग्लेशियर्स के ऊपर जाते हैं, ग्लेशियर से फिर चूंकि रिवर्स का काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो ये ग्लेशियर 2 मिनट का काम है। ग्लेशियर्स के ऊपर जाते हैं सबसे पहले, ग्लेशियर पहले होता क्या है, एक होते हैं आइस कैप्स, एक होते हैं आइस बर्ग्स, वो तो यहाँ पे है नहीं। आइस कैप्स और आइस बर्ग्स आपके जो अंटार्कटिक ओशन है उधर आपके पाए जाते हैं, आपके आइस बर्ग्स जो तैर रहे होते हैं, फ्लोटिंग आइस बहुत सारी इकट्ठी हुई होती है, और आइस बर्ग्स भी, ठीक है। एक होते हैं आपके ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स क्या होते हैं, बहुत सारी ऊंची माउंटेन्स होती हैं, पीक्स, हर साल जब बर्फबारी होती है तो उनके ऊपर बर्फ इकट्ठे होती रहती होती रहती होती रहती, सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ इकट्ठे होती रहती है, वो ग्लेशियर्स बन जाते हैं। जब वो सर गर्मियों में मेल्ट होते हैं तो फिर वहाँ से स्ट्रीम्स निकलती हैं, नदियाँ निकलती हैं, और वो जाके रिवर्स बनाती हैं। तो ये ग्लेशियर्स पाकिस्तान के अंदर भी अच्छे खासे ग्लेशियर्स हैं, बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, और कुछ तो बीच में ये भी चला था कि सऊदी अरब ने भी हमसे कुछ ग्लेशियर्स फ्यूचर के लिए लेके रखे हुए हैं, वाटर स्केर्सिटी के लिए जो भी। बहरहाल ये तो एक रूमर्स थे, आई डोंट नो कि ऐसा है कि नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ग्लेशियर्स। सबसे पहले हम बालतरो को पढ़ेंगे, बालतरो ग्लेशियर, ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट आपका ग्लेशियर है, और GB के अंदर है बालतरो, BALTORO, बालतरो। बालतरो ग्लेशियर है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, ग्लेशियर है पाकिस्तान का, GB के अंदर पाया जाता है,
इसकी टोटल जो लेंथ बनती है वो 62 किलोमीटर बनती है, ठीक है जी। तो 62 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ बनती है। बालतरो ग्लेशियर, मैं इसको दोबारा, बालतरो जीबी के अंदर पाया जाता है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, सियाचिन आपका अगेन, और ये सेकंड जो है ये सियाचिन सेकंड हाईएस्ट ग्लेशियर आपका बन जाता है, ठीक है जी। हाईएस्ट बहुत ऊंचा है, पूरी दुनिया के अंदर कह लें कि हाईएस्ट ग्लेशियर है जो आपका सियाचिन है। सियाचिन के अंदर आपको पता है कि एक वॉर भी हो चुकी है, रिवर्स को भी मैं पढ़ाता हूँ, रिवर्स इसके बाद हूँ। सियाचिन ग्लेशियर की वॉर हुई थी 1984 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ज़ियाउल्लाह के टाइम पर, सियाचिन के अंदर वॉर जो हुई थी। तो ये सियाचिन ग्लेशियर भी आपका इधर है कश्मीर के अंदर, ठीक है जी, जहाँ पे एक तरफ पाकिस्तान की फोर्सेज बैठी हुई हैं, दूसरी तरफ आपकी इंडिया की फोर्सेज बैठी हुई हैं। ये सेकंड हाईएस्ट आपका ग्लेशियर बन जाता है, तकरीबन 21,000 जो है फुट की हाइट के ऊपर है, 21,000 फुट की हाइट के ऊपर है, और 76 किलोमीटर की टोटल हाइट है, स्कर्दू के अंदर पाया जाता है, जीबी का इलाका स्कर्दू, वहां तक, वहां से आगे तक फैला हुआ है, ठीक है जी, स्कर्दू से। तो बालतरो सेकंड है पाकिस्तान का, ठीक है जी। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, ये ग्लेशियर आपका स्कर्दू, ये स्कर्दू के अंदर पाया जाता है आपका सियाचिन, और 76 किलोमीटर की टोटल लेंथ बन जाती है। उसके बाद है एक हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर अगेन ये जीबी के बिल्कुल टॉप के ऊपर नॉर्थ में हुंजा का एक इलाका आता है, हुंजा का, ठीक है जी। हुंजा बड़ी खूबसूरत जगह है, हुंजा, वहां पे एक ग्लेशियर पाया जाता है, उसका नाम है हिस्पर, HISPER, हिस्पर ग्लेशियर हुंजा के अंदर पाया जाता है वो बेसिकली, और वो उसकी टोटल लेंथ 61 किलोमीटर बनती है। अगेन वो जीबी का पार्ट है, अगेन वो हुंजा का पार्ट है, हुंजा के अंदर है, और 61 किलोमीटर उसकी टोटल लेंथ बनती है, ठीक है। उसके बाद एक और है ब्याफो ग्लेशियर, ब्याफो भी हुंजा के इलाके में पाया जाता है, ब्याफो BIAFO, ब्याफो ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर हुंजा के अंदर पाया जाता है, ब्याफो BIAFO, और ये हुंजा के अंदर है, इसकी तकरीबन 60 किलोमीटर के करीब इसकी टोटल लेंथ बनती है, और ये हुंजा के अंदर पाया जाता है ब्याफो। उसके बाद और भी हैं काफी सारे ग्लेशियर्स, लगे मोटे मोटे पेपर में यही आपसे पूछता है, और एक अपर जो है वो तिरच ग्लेशियर भी है, ठीक है जी, अपर तिरच ग्लेशियर, तो चित्राल के अंदर पाया जाता है वो अपर तिरच ग्लेशियर जो है पाकिस्तान के अंदर ही है, और वखान कॉरिडोर के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। आगे हम चलते हैं, हमने ग्वादर ये खरीदा था ओमान से 1958 के अंदर, ये भी आपको बता दूं, 1958 के अंदर ग्वादर हमने परचेज किया था ओमान से। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रिवर्स की तरफ। ये जो आपका रिवर है इंडस, ये आपको पता है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से शुरू होते हुए जीबी, जीबी से जनाब ये केपी, और केपी के से ये आपका होता हुआ बलोच पंजाब, और पंजाब से सिंध और अरेबियन सी। इसको देख लें आप, ये जो है इंडस रिवर, इंडस रिवर की जो टोटल लेंथ है दैट इज 3180 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर इंडस रिवर की टोटल लेंथ बन जाती है शुरू से लेकर एंड तक। ये जिंगबाओ एक मकाम है, एक पॉइंट है, ओरिजिन है जिंगबाओ, जहां से ये मेन उसका ओरिजिन हो रहा है, तिब्बत, तिब्बत के अंदर बेसिकली, तिब्बत से होता हुआ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में आया, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से जीबी, जीबी से केपी, केपी से पंजाब, पंजाब से जो है वो सिंध। तो ये जिंगबाओ, XING, जिंग BHAO, बाओ, ये उसका ओरिजिन है इंडस रिवर का तिब्बत के अंदर, वहां से ये स्टार्ट होता है, वो कवर करते 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 एंड तक जाके वो जनाब 3180 किलोमीटर उसकी टोटल बन जाती है टोटल जो लेंथ है इंडस रिवर की। और ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट रिवर है, पाकिस्तान का लार्जेस्ट रिवर है, जितने भी ये आपके रिवर हैं चनाब, रावी, सतलुज, ब्या, सारे के सारे इस इंडस रिवर के अंदर जाके मिल जाते हैं, ठीक है जी। कोट मिठन के पॉइंट पे मैंने आपको लड़ी बता दिया था, कोट मिठन इज द पॉइंट वेयर ऑल द रिवर्स मीट विद द, ऑल द रिवर्स मीट विद द इंडस रिवर, कोट मिठन, ठीक है जी, ये जहाँ पे ख्वाजा गुलाम फरीद का मजार भी है। उसके बाद आगे चलें, इसके ऊपर जो है वो कालाबाग डैम भी प्रपोजल दिया गया था मुशरफ के दौर से पहले, बड़ा पुराना दौर, कालाबाग डैम के जी बनाए, 6 मिलियन एकड़ फीट वाटर स्टोरेज हो सकती थी, लेकिन वो सियासत की नजर हो गया, वो भी इंडस्ट्री वर्क के ऊपर बात चल रही। उसके बाद आई एम सॉरी, और आज मैं जरा
नींद नहीं थी पूरी हुई। उसके बाद है आपकी द्यामिर और भाषा डैम, वो भी इंडस रिवर के ऊपर है। द्यामिर और भाषा डैम भी इंडस रिवर के ऊपर है, और इंडस रिवर को फादर ऑफ ऑल रिवर्स भी कहते हैं, फादर ऑफ ऑल रिवर्स। इंडस रिवर के तीन और नाम भी मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। फादर ऑफ ऑल रिवर्स भी इंडस रिवर को कहा जाता है, रिवर नाइल ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है इंडस रिवर को, रिवर नाइल ऑफ पाकिस्तान, रिवर नाइल ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद इंडस रिवर को अब्बासीन रिवर भी कहते हैं, ये बहुत पुराना रिवर, अब्बासीन रिवर, ABASEEN, अब्बासीन रिवर, अब्बासीन रिवर भी इसको कहते होते हैं। उसके बाद अटक रिवर भी इसको बोलते होते हैं, अटक रिवर भी इसको बोलते हैं, बड़ा पुराना नाम था इसका। स्कर्दू रिवर भी इसको कहते थे, अटक रिवर भी इसको कहते थे, ठीक है जी। तिब्बत से इसका ओरिजिन था, और अरेबियन सी में जाके ठठा के करीब जाके ये इंडस रिवर का पार्ट बन जाता है, ठीक है जी। रिवर नाइल भी इसको बोलते होते हैं, और इंडस रिवर के ऊपर एक आपको पता है कि ये एक इंडस रिवर के अंदर काबुल रिवर है, ये काबुल रिवर यहाँ पे आके इसको ज्वाइन करता है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे काबुल और ये दोनों इंडस रिवर के साथ आके जहाँ पे मिल जाता है दोनों काबुल, वो अटक का पॉइंट है, अटक के मकाम पे इंडस रिवर के साथ ये काबुल रिवर आके मिल जाता है। काबुल रिवर अफगानिस्तान से आ रहा है, KPK का पार्ट, KPK से आगे की तरफ जा रहा है ये वाला। लॉन्गेस्ट रिवर इज रिवर नाइल, लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। 4132 माइल्स उसकी टोटल लेंथ है, 4132 माइल्स। और जो लार्जेस्ट रिवर है वो अमेजोन है दुनिया का, अमेजोन, वो आपके साउथ अमेरिका के अंदर एक एक ब्राजील है वहां पे पाया जाता है, 5-6 मुल्कों से गुजर के आगे जा रहा होता है। अभी आगे चलते हैं, इंडस रिवर ट्रीटी को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल ये देख लें, समझ लें इसको। तो ये रिवर जो नाइल है, सॉरी सॉरी रिवर जो काबुल है, ये यहाँ पे एप्टाबाद, सॉरी अटक के मुकाम पे आके इसे मिल रहा होता है। उसके बाद आपका ये कुरुम रिवर भी इसमें एंटर हो रहा है, गोमल भी इसमें एंटर हो रहा है, इंडस के अंदर माइटी इंडस है। उसके बाद इंडस के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना हुआ है, अभी इसको डैम पढ़ाऊंगा, इसको बोलते हैं तरबेला डैम। दुनिया का बड़ा, सबसे बड़ा डैम है चाइना के अंदर, वो भी थ्री गॉर्गीज डैम उसको बोलते हैं, थ्री गॉर्गीज डैम चाइना के अंदर। लेकिन जो दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम है, अर्थ फिल्ड, डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ फिल्ड? मट्टी से जो भरा हुआ बना हुआ होता है, मट्टी का नेचुरल एक डैम था, वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम तरबेला डैम है, आपके पास है तरबेला डैम, वो इसी इंडस के ऊपर बैठा हुआ है। उसके अलावा एक और डैम है, ये जो गाजी ब्रोथा डैम है, ये भी इंडस रिवर के ऊपर है, गाजी ब्रोथा डैम भी इंडस रिवर के ऊपर पाया जाता है। उसके बाद ये बैराजेस हैं काफी सारे, जो जिनाह बैराज है, जिनाह बैराज, चश्मा बैराज, जिनाह बैराज मियांवाली के अंदर आता है, जिनाह बैराज, चश्मा बैराज, तौसा बैराज, जिनाह, तौसा, चश्मा, गुदू बैराज, सखर बैराज, कोटरी बैराज, ये 6 बैराजेस हैं मेन मेन, तीन पंजाब के अंदर, 3 सिंध में, जो कि इंडस रिवर के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है जी। इंडस रिवर के ऊपर जिनाह बिराज, चश्मा बिराज, कौसा बिराज, गुद्दू बिराज, सखर, कोटरी बिराज, चल बे, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं जी आगे, क्या कहते हैं, इतने ही MCQs आते हैं जिन इंडस रिवर से। उसके बाद आता है जी आपका चनाब झेलम, ये आपका झेलम आया, जिन झेलम के ऊपर ये एक मंगला डैम बना हुआ है रेड पेन के साथ। मंगला डैम जो है ये आपका इधर ही झेलम रिवर के ऊपर है आपका मंगला डैम, मंगला डैम, ठीक है, ये भी काफी बड़ा डैम है मंगला डैम। तो ये आ जाता है आपका इसके ऊपर, जेलम के ऊपर। अगेन आगे चलते हैं, सिंध सागर दुआब आता है, ये सिंध सागर दुआब बेसिकली जेलम और इंडस रिवर के दरमियान। अच्छा दुआब क्या होता है? दुआब बोलते हैं दो पानियों को, दो आब, आब कहते हैं पानी को, दो आब, द प्लेन एरिया बिटवीन द टू रिवर्स इज कॉल्ड दुआब। और प्लेन एरिया में क्या होता है, आपकी एग्रीकल्चर भी हो रही होती है, लोग भी रह रहे होते हैं, सारा कुछ हो रहा होता है। ये जैसे इंडस और जो जेलम है, इसके दरमियान जो जो है वो इंडस और जेलम, सिंध और ब्रे जेलम, और इसको टोटल एरिया बन जाता है सिंध सागर दुआब, ठीक है। उसके बाद चनाब और जेलम है, ये बनता है चज दुआब, चनाब का चे ले लें और जेलम का जीम ले लें, वो बनेगा चज, चे और जीम, चज दुआब, CHAG, चज दुआब, ठीक है। उसके बाद ये रावी है और चनाब है, ये आर ले लें रावी का और चनाब ले लें CH का, चनाब ले लें चे का, तो ये बनता है रचना दुआब,
रचना दुआब इज बिटवीन रावी एंड चनाब, इसका रचना दुआब, ठीक है। उसके बाद ये सतलुज और रावी, सतलुज और रावी ये कौन सा बनता है सतलुज और रावी के दरमियान? सतलुज और रावी के दरमियान कौन सा बनता है भला? बारी दुआब, बारी नॉट बारी, एक यह सिंपल था, रावी का रे ले लें और ब्यास का बी ले लें, तो ये क्या बन जाता है आपका बारी, बारी दुआब है आपका रावी और ब्यास के दरमियान, ठीक है। ये जो चज दुआब है ये चनाब और जेलम के दरमियान है, चनाब के ऊपर तीन है, हेड मराला है, खानकी है, कादराबाद है, ये तीनों हेड हेड वर्क्स हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है जी, हेड वर्क्स। और ये जो आपका है ना क्या कहते हैं चनाब, चनाब के ऊपर इंडिया बहुत सारे डैम बना रहे हैं, जो कि बगलेहार डैम भी उधर ही बना रहा है, सलाल भी उधर ही बना रहा है इंडिया, सलाल भी डैम इंडिया बना रहा है चनाब के ऊपर, और वो भी बना रहा है। उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं, इंडस रिवर से रिलेटेड एक और पैक्ट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, उसको बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1960 को, अयूब खान के दौरान टाइम पे, 19 सितंबर 1960 को साइन हुआ था। किसके दरमियान साइन हुआ था? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। मीडिएटर कौन था? मीडिएटर था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक वॉज द मीडिएटर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और ये साइन हुआ पैक्ट, और क्योंकि इंडिया ने पानी रोक लिया था पाकिस्तान का जब पहली कश्मीर की वॉर हुई थी 1947 to 1949 तक, तो अप्रैल के अंदर 1948 में पानी रोक लिया था, तो पाकिस्तान ने कंसीडरिंग के आर वी आर वेरी वल्नरेबल एंड वी आर एग्रीगेरियन सोसाइटी, तो पानी जो है दैट इज द एग्रीकल्चर सेक्टर द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी, तो अयूब खान ने कहा कि यार हमें कोई डैम शैम बनाने चाहिए और इरीगेशन सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी है उसको यूटिलाइज। इसमें एक एक जो डिवीजन की गई थी रिवर्स की, एक तरफ आपके थे वेस्टर्न रिवर्स, एक तरफ थे ईस्टर्न रिवर्स। वेस्टर्न रिवर थे ICJ, ICJ का मतलब आई से इंडस, जे से जेलम, सी से चनाब, इंडस जेलम और चनाब, ये टोटल तीन रिवर्स थे जो कि वेस्टर्न रिवर्स कहलाते हैं और ये आए पाकिस्तान के हिस्से में, तीनों के तीनों रिवर्स आए पाकिस्तान के हिस्से में, इंडस जेलम और चनाब वेस्टर्न रिवर्स। उसके बाद थे ईस्टर्न रिवर्स, ईस्टर्न रिवर्स थे रावी सतलुज और ब्यास, रावी सतलुज ब्यास तीन रिवर्स, ईस्टर्न रिवर्स, ईस्टर्न रिवर्स वर गिवन टू इंडिया वाइल द वेस्टर्न रिवर्स वर गिवन टू पाकिस्तान। And it was decided that if, because India controls all these rivers, so if India is going to establish or going to build any hydroelectric power station, or if India tries to, you know, alter the flow of water, he will inform Pakistan first. Agar India Pakistan ka pani water flow disturb karta hai, या कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन लाता है या कोई डैम शैम के लिए पानी शानी उसको चाहिए होता है, तो वो पाकिस्तान को आगाह करेगा। एक इंडस वाटर कमीशन बना दिया गया था जिसका काम हर साल विजिट करना, मीटिंग्स करना, डिस्कस करना होता है, ठीक है, इंडस वाटर कमीशन। लेकिन इंडिया उसकी वायलेशन कर रहा है, सिंपल वेज की हमसे इंफॉर्मेशन शेयर करता, हमारा पानी रोक रहा है, हमारे डैम्स वो बना रहे हैं, हम गए ICJ में, उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के पास तो डैम ही नहीं है, ये खुद स्टोर कर लें, ठीक है। तो ये इंडिया जो है उसमें वैलेट तकरीबन छोटे बड़े डैम 200 प्लस डैम बना रहे हैं, पगलेहार, सलाल और पखल जल, किशन गंगा, बहुत सारे डैम बना रहे हैं, ठीक है, ये उधर ही बना रहे हैं। अब आगे चलते हैं, अच्छा आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी साइन हो गया, अयूब खान और नेहरू के दरमियान ये साइन हुई थी, एक तरफ अयूब खान था, एक तरफ आपका नेहरू था। अब आते हैं जेलम आपका हो गया, उसके बाद आते हैं चनाब रिवर की तरफ, जेलम को थोड़ा सा देख लेते हैं। जेलम जो है ये टोटल लेंथ इसकी बनती है 725 किलोमीटर, 725 किलोमीटर बनती है, रावी सतलुज ब्यास है बेटा जो वेस्ट ईस्टर्न, इसकी जेलम रिवर की टोटल लेंथ है 725 किलोमीटर, सिंध सागर द्वाब
जो है यहाँ पे बनता है, और आपका ये जो है वो थल डेजर्ट तो आपका आ जाता है ना, ये खुशाब वाली साइड पे, जैसे गोदा डिवीजन बनता है ना, झेलम के ऊपर आ जाता है ये मंगला डैम, झेलम के ऊपर बना हुआ है, मीरपुर आजाद कश्मीर का इलाका है मीरपुर। 67 में इसको बनाया गया था, ये जो आपका है मंगला डैम, 1967 को बनाया गया था मंगला डैम को, और ये मंगला डैम जो है मीरपुर आजाद कश्मीर के ऊपर है, और झेलम पे रसूल बराज है, ये आपका झेलम रिवर है, और ये आपका रसूल बराज बना हुआ है झेलम के ऊपर, ठीक है जी, रसूल बराज झेलम के ऊपर बना हुआ है। अगेन आगे चलते हैं, ये रिवर्स को थोड़ा सा आपको और भी समझना चाहिए, ये जो आपका इंडस रिवर है ना, इंडस रिवर आता है स्कर्दू, स्कर्दू से होता हुआ प्रताप बिराज, प्रताप ब्रिज है, प्रताप ब्रिज से नीचे की तरफ आता है, और ये जाता है भशाम के अंदर, भशाम अगेन पाकिस्तान के अंदर है, भशाम का इलाका, भशाम से आगे आता है तरबेला डैम, तरबेला डैम से काबुल रिवर आके मिला नीचे, कालाबाग डैम से होता हुआ, फिर कालाबाग डैम, फिर कालाबाग का एरिया बेसिकली, वो कालाबाग से नीचे चश्मा आता है, ये देखें कालाबाग से नीचे चश्मा, चश्मा से नीचे आ गया आपका तौंसा, तौंसा से सीधा आ गया मिठनकोट, मिठनकोट से सीधा आ गया ये गुद्दू बैराज, सखर बैराज, कोटरी बैराज, औरंगबियनसी, सेम झेलम रिवर है आपका, ये वाला झेलम रिवर, ये कोहाला से आता है, कोहाला झेलम रिवर आया कोहाला में गया, कोहाला से मंगला, मंगला से रसूल बैराज, रसूल से त्रिमू, ये त्रिमू, त्रिमू से आपका आगे सीधा गया ये पानद में, ये इधर पानद, और ये सीधा कोट मिट्टन के पार्ट पे, ये इसका पार्ट बन गया, ठीक है। अगेन हम आगे चलते हैं, बात्रो, ब्याफो, सियाचिन, इस पर बतूरा, हाँ जी बतूरा भी है ग्लेशियर पाकिस्तान के अंदर, ये बतूरा, तो ये ग्लेशियर्स काफी सारे हैं, बहुत सारों की लिस्ट आप बना लें, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन अच्छे खासे ग्लेशियर्स हैं, मोर देन 50 ग्लेशियर्स। आगे चलते हैं, चनाब रिवर है, चनाब रिवर अगेन एक इलाका है अखनोट का, अखनोट से आता है आपका मराला, ये चनाब रिवर, ये हेड मराला हो गया इसका, हेड मराला से आगे नीचे है तो ये आपका कादराबाद है, कादराबाद से नीचे खान की है, खान मराला, मराला से खान की, खान की के नीचे कादराबाद, कादराबाद से सीधा जाता है ये त्रिमू के मकाम पे, और ये त्रिमू में जाके मिलता है झेलम के साथ यहाँ पे, ठीक है जी, त्रिमू से नीचे होता हुआ पंगत, पंगत से होता हुआ ये इंडस वाटर के साथ हिस्सा बन के आगे अरेबियन सी में ये आ जाता है, उसके बाद रावी रिवर, बल्कि इसको चनाब को भी थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं, चनाब को मजीद हम थोड़ा सा देख लेते हैं, रावी रिवर को भी देख लेते हैं और चनाब को भी देख लेते हैं, चनाब बेसिकली झेलम और चनाब दोनों मिलते हैं त्रिमू के मकाम पे, हेड त्रिमू एज इन झांग, झांग का इलाका है, वहां पे दोनों रिवर मिलते हैं त्रिमू के मकाम पे, और दोनों बनाते हैं चज दुआब, एक दुआबा बनता है चज उसको बोलते हैं, इसी तरह जो है वो रचना रावी और चनाब के दरमियान है, ठीक है जी, और चज दुआब को उसको नीली बार भी कहते हैं, जो चज दुआब के इलाके में आता है, चज दुआब झेलम और चनाब को नीली बार, नीली बार, ठीक है जी, वो इलाका भी कहलाता है। उसके बाद चनाब रिवर जो है वो बेसिकली हिमालय से आता हुआ आगे यहाँ पे झेलम के साथ त्रिमू के पॉइंट पे इकट्ठा होके आगे इंडस का पार्ट बन जाता है, 960 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ बनती है, 960, इसने पूछा मोहम्मद अहमद, 960 किलोमीटर, 960 किलोमीटर टोटल लेंथ है चनाब रिवर। उसके बाद इंडिया इसी पे बगले हार बुशार बना रहा है, ये सारा कुछ डैम शैम बना रहा है, इसी तरह से चनाब के ऊपर ही हो गया, देन अगेन आता है आपका झेलम भी हो गया, अब आते हैं हम रावी रिवर की तरफ, रावी को थोड़ा देख लें, रावी रिवर जो है वो बेसिकली और दरिया ब्यास के दरमियानी इलाका को दुआबा कहते हैं, बेसिकली एक बारी दुआब कहते हैं, बारी ये बारी और सतलुज, सतलुज ब्यास आता था, ब्यास खत्म हो गया, ब्यास सतलुज अब आता है, ठीक है जी, और सतलुज से आगे होता हुआ आगे ये जाता है जनाब वाला क्या कहते हैं इसको, सतलुज रिवर, ये जाके इस पॉइंट पे हेड पंजत के पॉइंट पे जाके ये मिलता है इंडस रिवर को, और रचना दुआब बोला जाता है ये चनाब और रावी को, और सतलुज और रावी को बोलते हैं जी क्या कहते हैं इसको, सतलुज का सिंह और रावी का रे रचना दुआब बोलते हैं इसको, रावी और चनाब के इलाके को, ठीक है जी, और इसी तरीके से ये सतलुज है, तो ये सतलुज अगेन बल्कि रावी को देख लें आप, रावी लोअर बारी दुआब जो है वो लाहौर के अंदर आ जाता है रावी का इलाका, और अपर बारी दुआब जो है ये रावी का है खुद, तो ये स्मॉलेस्ट रिवर है पाकिस्तान का, छोटा रिवर है, और तकरीबन गंजी बार इसको बोलते हैं, रावी और सतलुज के दरमियान का जो इलाका है ये इसको नीली बार कहते हैं, ऊपर वाली एरिया को नीचे वाले को गंजी बार बोलते हैं, ठीक है, गंजी बार,
ठीक है जी। गंजी बार, ग्रावी की टोटल लेंथ 720 किलोमीटर बनती है, 720 किलोमीटर बनती है तकरीबन, 720 किलोमीटर जाके बनती है, ठीक है जी। और पोल्यूटेड है, बहुत ज्यादा गंदा रिवर है, पोल्यूटेड है। सेम चनाब, चनाब रिवर चज द्वाब बनता है, चज आपका चनाब और जेलम के दरमियान, मेरे ख्याल से चनाब आपका हो गया हुआ है, जेलम भी हो गया हुआ है, और ये आखिर में बचता है आपका सतलुज, सतलुज भी हमने पढ़ लिया। सतलुज के ऊपर हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम है, ठीक है जी। सतलुज की जो है वो टोटल, सुलेमान की और इस्लाम, दो बैराज इसके ऊपर आते हैं, और बलूचिस्तान में भी काफ़ी सारे हैं रिवर्स, उनको भी अभी देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम ये भी, हमने ये सिर्फ पंजाब के डिस्कस किए, ये भी थोड़े बहुत, अभी आगे चलते हैं। ये जेल सतलुज में हंकाओ का इलाका है, हंकाओ से जीबी वाला, वहाँ से होता हुआ ये सुलेमान की और हेड इस्लाम, और सीधा जाता है ये पांच नद में जाके मिल जाता है, ठीक है जी। सुलेमान की, इस्लाम और सीधा जाके पांच नद के मकाम पे, पांच नद से कोट मिठन, फिर आगे गुद्दू से खरर कोटरी बराज, और इस तरीके से इसका एंड हो जाता है। तो ये आपके पंजाब के रिवर्स थे, अभी हमने सिंध के बहुत सारे पढ़े हुए हैं, पंजाब के पढ़े हुए हैं। कालाबाग डैम भी इंडस रिवर के ऊपर है, कालाबाग डैम की तकरीबन कैपेसिटी जो स्टोरेज की है वो तकरीबन 7 to 8 मिलियन एकड़ फीट, MAF मिलियन एकड़ फीट, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो मैं डैम शैम भी आज पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है। अगर आप सतलुज रिवर, सतलुज की लेंथ का मुझे नहीं आइडिया, मुझे याद नहीं आ रही, तो आप वो देख सकते हैं। यार मैं PPT वाला नहीं हूँ, मैं, मुझसे पावर पॉइंट पे ना पढ़ाया जाता है, ना मैं वो काम चलाता हूँ उस तरह का। नेक्स्ट क्लास कल होगी, कल तो बहुत, अभी पाकिस्तान की ज्योग्राफी अभी हमने इसका 30% पढ़ा है, 30-40% पढ़ा है, अभी हमारी 60% पढ़ी हुई है भाई ज्योग्राफी पाकिस्तान की,